पहले कहते थे जी पारस होता है वो लोहे के ऊपर घिस दो तो उसको सोना कर देता है, तो मैं सोचता था अच्छे गपेड़ मार रखे हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहते हैं, कोई लोहे को ऐसे सोना करे तो कोई गरीब क्यों रहे। लेकिन महाराज जी की संगत से मेरे को पता चला कि काम भी क्रोधी लोभी मोही सारे अवगुण खत्म करके अपने बराबर कर लेते हैं, परमात्म स्वरूप बना देते हैं, तो संत मत को हम समझ ही नहीं पाते। जो मेरे साथ बीती या जो मेरी समझ में आया, मैं एक ही बात बताऊंगा, पांच या सात मिनट लूंगा। संत मत में दो तरह की बात है, एक है इस संसार का जीवन कैसे सुंदर बनाए। अभी हमारे अंदर क्या है, इस धरती पे हम आ तो जाते हैं मौज की वजह से, लेकिन पता नहीं बेहोशी में आए और चले गए, और ये सिलसिला चलता रहता है, आते हैं जीवन जीते हैं और चले जाते हैं। लेकिन कोई संत के दर्शन हो जाए तो आपको होश आएगा कि कौन है तू, कहाँ से आया, कहाँ जाएगा। लेकिन ये बात हमारे पल्ले नहीं पड़ती, समझ में नहीं आती, इतनी ऊंची बात है। बीसियों तीसियों वर्ष सेवा करो तो भी समझ जाओ तो बहुत बड़ी बात है, तो कैसे समझोगे। बड़े गौर से इनका सत्संग सुने, सारे विचार घर बार के व्यापार के सारे विचार छोड़ के और इनका सत्संग सुने। दो बात बताते हैं, एक बात क्या बताएंगे, इस जीवन में अपने विचार कैसे रखने हैं, इस जीवन को सुंदर कैसे बनाना है, मतलब संसार में पहले तैरना सिखाएंगे, जो यहाँ घाटा बाटा है वो क्यों है उससे निकालेंगे। और फिर आपका अगर ध्यान बन गया अध्यात्म की तरफ, आपकी रुचि है गहरी इच्छा है, तो फिर वो रास्ता बताते हैं। वो रास्ता सबके लिए नहीं है, वो रास्ता किसी खास आदमी के लिए है। तो बाकी के लिए क्या है, इस जीवन में खुशी कैसे, खुशी और आनंद है क्या चीज, वो हमारे समझ में आता नहीं। तो महाराज जी क्या करते हैं, अब कहते हैं जी सतगुरु बंधन काटता है, अब हमें पता ही नहीं बंधन क्या चीज है। एक दिन मैं महाराज जी से प्रार्थना करी, महाराज जी ये मेरे ये बंधन कब कटेंगे, मैं कब सुखी होऊंगा। तो महाराज जी ने बड़े सहज में कहा, जी तेरे सारे कर्म ज्ञान की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे। अब मैं बात समझानी है क्या कह रहे हैं, तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कर्म है क्या, बंधन है क्या, वो बात बताते हैं। अगर वो एक बात भी समझ गए तो आपका जीवन बदल सकता है। वो बात है क्या, सुबह विचार आता है और रात तक विचार आते रहते, एक आया दूसरा गया, हम उनमें से कुछ विचार को बार बार करके और इच्छा पैदा कर संकल्प कर लेते हैं जी ये करूंगा, और इस बात का हमें ज्ञान नहीं है कि क्या इच्छा करनी है, और इच्छा हमारी वासना ही हमारे कर्म है। क्या विचार किया आपने पता ही नहीं है इसका फल क्या होगा, बस सोचते रहते हैं। अब मैं जब महाराज जी से पहले मिला नहीं था, उस समय विचार आते थे जी, अच्छे भी आते थे बुरे भी आते थे। अब अच्छे विचार आए तो खुश हो गया, बुरे विचार का फल आया तो दुखी हो गया। तो मैं रामायण पढ़ी, मैंने गीता पढ़ी, मेरी माता जी बड़ी धार्मिक स्वभाव की थी तो वो संस्कार मेरे बचपन से ही आ गए, तो बड़ा खुश होता था मैं जब रामायण गीता पढ़ता था। लेकिन जब कोई दुख की बात आती बड़ा दुखी होता, तब मैं कहता परमात्मा तू है कहाँ, इतने तेरे में विश्वास का क्या फल है, अब तू मेरे को बचा इस दुख से। लेकिन शास्त्रों में कहा है जब जब अधर्म फैलता है इस धरती पे, धर्म की हानि होती है तो मैं आता हूँ। अब मेरे को किसी ने कहा जी हो तो कली में अवतार लेगा तब आएगा। अब मेरे मन में ख्याल आया कि कली तक क्या हम ऐसे ही दुख में जिएंगे, हमारे लिए कौन अवतार है, हमारे लिए परमात्मा कौन है, या तो ये भक्ति छोड़ो और यहाँ के दर्शन दो। फिर महाराज जी के दर्शन हुए और मेरे को ये विचार आया, हो तेरे लिए मैं आ गया हूँ भाई, धर्म तेरे को सिखाने आ गया हूँ, तेरा सारा धर्म नाश कर दूंगा। अब मेरे को लगता ही नहीं कोई संत है, मेरे को लगता है परमात्मा ही आके अधर्म का नाश करके धर्म सिखाने आया तेरे को। तो क्या धर्म सिखाते हैं कि क्या विचार आपको पकड़ना है और उस विचार को कैसे वो कर्मों में बदलता है, उस विचार को देखो और घटिया विचार उसको वहीं छोड़ दो और अच्छे अच्छे विचार पकड़ो, उससे आपके संकल्प बदलेंगे, और जब संकल्प बदलेंगे क्या इच्छा करनी है वो हमें पता चलेगा। घटिया विचार आएगा हम काट देंगे, घटिया आएगा काट देंगे, अच्छे अच्छे पकड़ेंगे तो जीवन सुंदर बन जाएगा। अब कोई समस्या ही नहीं है, पहले इतना होता था जी थोड़े दिन खुशी और फिर दुखी, फिर खुशी और फिर दुखी। लेकिन आप ये नहीं है कि सारी समस्याएं खत्म होगी, जब भी कोई समस्या आती है फिर मैं सोचता हूँ महाराज जी ने क्या कहा था इस अवस्था इस सिचुएशन के लिए, क्या कहा, क्या ज्ञान दिया महाराज जी ने, और उस पे विचार करते करते ये आ जा, अच्छा ऐसा बोला था ये कर ले, और वो समस्या रहती नहीं है, फिर वही खुशी आ जाती है। रामायण गीता पढ़ने से ये कमाल नहीं हुआ, ये कमाल महाराज जी के दर्शन से हुआ कि कोई समस्या ही नहीं है, खुशी खुशी है, समस्या तो हमारे यहाँ है मन में, हम समस्या पैदा करते हैं, बस ये नहीं पता क्या इच्छा करनी है। तो महाराज जी ये ज्ञान देंगे आपको
कि आपको संकल्प कैसे रखने हैं, विचार क्या रखने हैं, वो कर्म कैसे बनाते हैं। पहले सुंदर सुंदर कर्म बनाओ, सुंदर सुंदर विचार रखो, अगर आप फिर यहाँ से छिक जाओ, हाँ जी सब है, गाड़ी घोड़ा मकान है, और फिर ये देखो जी यहाँ तो ऐसे ही मामला चलता रहता है, आज धन है कल नहीं है, आज मकान है कल नहीं है, आज पद है कल चला गया, रोज यही देखते हैं, आंख खोलते हैं, मतलब गुरु हमारी आंख खोलते हैं, तू कर क्या रहा है। जब आप आंख खुलेंगे देखोगे हो तो संसार कुछ और ही है, दुख तो कुछ है ही नहीं, दुख तो हमारी कारण है, फिर हमें समझ में आएगा हो ये बात पकड़ो क्या बात है। वो बात फिर ये बताते हैं जी, अगर आपको हमेशा के लिए शांति चाहिए, इस सुख और आनंद से आगे चलना है तो ये रास्ता है, अब इस पे चला नहीं जाता। अब रास्ता महाराज जी ने पूरा बता दिया, और मेरे को गहरी इच्छा है, कई कई बार तो मन करता है जी या तो नाम मिले या नहीं तो ये सांस ही निकल जाए। फिर सोचता हूँ जी जिम्मेदारी है वो तो कर, महाराज जी बोले एक दिन भाई ये जो लेना देना है तो पूरा कर, खुशी खुशी चुका इसको, तो वो प्रारब्ध अब भोग रहा हूं। और महाराज जी के जब भी मौका मिलता है दर्शन करता हूँ, तो अब ये रास्ता बताते हैं यहाँ से चलो जी आगे आगे आगे, अगर सदा के लिए शांति चाहिए, इस सुख और दुख से आगे निकलना है और उस शांति में ठहरना है, तो वो विधि बताते हैं ये, और वो विधि आप समझ लो। अगर आप मुक्ति चाहते हो, इस सुख दुख से सदा के लिए बचना चाहते हो, अब सुख क्या है, बेटा हो गया जी हम खुश हो जाते हैं, अच्छी कोठी बन गई हम खुश हो जाते हैं, लेकिन सदा तो रहनी नहीं है ये, फिर हम दुखी हो जाते हैं। तो मेरे क्या बात समझ में आई है, ये मामला तो ऐसे ही चलेगा भाई। अब कोई पड़ोसी झगड़ा करे, भाई झगड़ा करे, या कोई घाटा बाधा हो जाए, उनका असर उतना नहीं होता जितना पहले हो रहा था। अब क्या हो गया भाई, घाटे बाधे चलते ही रहेंगे। महाराज जी ने एक दिन मेरे को कहा, मेरे बात समझ में आती नहीं थी, मैं कोई अच्छी खबर आ जाए, अच्छा सपना आ जाए तो मैं बड़ा खुश होता था, और जोश जोश में महाराज जी ऐसा हुआ, और ये इनको कोई असर ही नहीं, फिर दुखी होता महाराज जी ये बात है, इनको फिर कोई असर नहीं, अब मेरे पल्ले बात ना पड़े, ये बात क्या है। फिर समझ में आया एक दिन, महाराज जी ने कहा भाई मन के अनुकूल हो गए तो खुश हो जाता है, और मन के प्रतिकूल हो गए तो तुम दुखी हो जाते हो, और ये तो चलता ही रहेगा सिलसिला, पीछे क्या कर्म करें हमें पता ही नहीं है, सब फिल्म दबी हुई है, उसमें से कुछ निकलता है, और वो कर्म है हमारे, पिछले भोग रहे हैं और नए बना रहे हैं। तो ये बात समझ लो कि कर्म फिलोसफी है क्या, और उसको समझ के फिर इनसे विधि सीखो, अंदर की अंदर चलने वाली विधि। तो अब मेरे समझ में आया हो ये मामला तो ये है, ये सुख दुख तो ऐसे चलेंगे भाई, इनसे थोड़ा ऊपर चल और वो आगे का रास्ता सीखो। तो अब महाराज जी से आप प्रवचन लो, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरे हिसाब से ज्यादा ही टाइम ले लिया। उनको गौर से सुनो, आज जो व्यापार का या नौकरी का काम छोड़ के आए हो घर में, जो भी जितने सब भूल जाओ, ऐसा मौका फिर मिलेगा नहीं कि कोई पूर्ण अनुभवी गुरु आपके सामने बैठा हो और आप सेहतमंद हो और सत्संग ले रहे हो। जो बात आपके समझ में आए वो पॉकेट में डालो, बाकी यहीं छोड़ दो, ना तो कोई पीछे लगाना है, ना आपको कोई चेला बनाना है, सीधी बात बताएंगे, आपके काम की बात बताएंगे, वो बात बताएंगे जो हमारे तकलीफ है, क्या तकलीफ है, क्या कारण है और क्या इलाज है। और हमारे समझ क्यों नहीं आती, समझ इसलिए नहीं आती कि हमारा ध्यान कहीं और रहता है। दो सत्संग की मैं बात बताता हूँ आपको, वैसे तो बहुत सारे सत्संग सुन लिए, तो मैं सत्संग सुन रहा महाराज जी का, और मुझे लगा आज तो कुछ रंग बरसे नहीं, कुछ कमी रह गई है, और मेरे गुरु रंग ना बरसे ऐसे कैसे हो सकता है। फिर ये ख्याल आया, और वो सत्संग जैसे अब रिकॉर्ड हो रहा है, मैंने रिकॉर्ड किया, और फिर मैंने उसको 10-12 बार सुना, तो हद कर रखी उस सत्संग में। तो फिर मेरे समझ ओ हो रंग कहाँ बरसते हैं, रंग तो या आपकी वजह से बरस रहे हैं, अगर आपका ध्यान इकट्ठा है और वो सत्संग गौर से सुन लिया तो रंग ही रंग बरस रहे हैं, और जब इधर उधर देखते हैं तो वो बात मिस हो जाती है, और हमें लगता है जी कुछ बात जो हम चाहते थे वो हुई नहीं। तो सत्संग का क्या है, सत्संग को बड़े गौर से सुनो। महाराज जी कहते हैं सत्य संगति मद मंगल मूला, जितने भी मंगल होते हैं हमारे जीवन में, अच्छी सेहत, अच्छी नौकरी, पैसा, जो भी है, गुरु का मिलना, सब सत्संगत का फल है। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सबे सुलभ सब दिन देसा, सेवित सादर सुमन कलेसा। अगर किसी ने सत्संग को आदर के साथ सुन लिया तो कोई कष्ट उसका बाकी रहता नहीं है, और सबको सुलभ है, सब दिन और सब देश, आज शुक्रवार है जी, आज मंगलवार है जी, आज शनिवार है, सीधी बात है, हमेशा सबको सुलभ है, लेकिन मिलेगी किसको, किसके कलेश कटेंगे, जो इसको आदर से सुनेगा। आदर से अगर सत्संग सुन लिया, कोई कष्ट कोई कलेश बाकी रहता नहीं। सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूं, मैं आपके सामने बैठा हूं, 3-3.5 साल में कोई कष्ट बचा नहीं है, कोई कलेश बचा नहीं है, और कोई समस्या आती है तो मेरे समझ में आ जाता है मनोज ये समस्या तूने बना रखी है, और बाहर से कोई समस्या नहीं आ रही।
आप सभी को नमस्कार। गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पारमन तस्मी श्री गुरु। प्यारी संगत जी, आज मैं आपको छठे सत्संग में आपको एक नए तरीके से बात सत्संग थोड़ा इशारा कर दूंगा। पूरा सत्संग को या नहीं दूंगा उस पर आपको जिंदगी पर दे दूंगा। इस जीवन का ये जीवन है क्या, तो जिंदगी क्या है, ये जिंदगी जो हम जी रहे हैं यहाँ पर, ये इस लोक का जीवन। संत जो है ये कहते हैं कि रणबंदी संसार है। ये संसार जो है पेड़े का कर्जा जने देने का पाया जाता है। रणबंदी यानी कर्जे का संसार। कर्जे का मतलब कि पिछले जन्म में जो कुछ हमने किया है किसी के साथ में, वही करने के लिए, उसका बदला देने के लिए आए। किसी को दुख दिया है तो दुख देगा वो हमको, किसी को सुख दिया तो सुख देगा, किसी को सेवा करिए तो सेवा करेगा। यानी वो रणबंदी है, जो पीछे जो किया है ना उसका भुगतान करने के लिए आप आए। देवा लेवा को देने को लेने, मतलब दुख दिया तो दुख सहने के लिए आए हैं, और सुख दिया तो सुख लेने के लिए आए हैं, और सेवा करिए तो सेवा लेने के लिए आ रहे हैं। और इसके लिए क्या है कि हम यहाँ पर आगे आगे तो कोई तो माँ बन गई जिसके पैदा हुए, कोई पिताजी हैं, कोई भाई है, भाई भी इसलिए आया कि वो पीछे का लेने देने का चक्कर है। भाई बन गया, कोई रिश्तेदार बन गया, कोई कुछ बन गया, पर मतलब कुछ न कुछ वो देने देने का चक्कर है। ये कोई चोरी बन गया है, कोई चोरी करके देगा, देखा ऐसे तो कोई देगा नहीं, चोरी करके लूँगा, और कोई ठगी भी मारेगा तो ठगी मार ली हमने, कभी वो ठगी मारेगा। मतलब गिव एंड टेक का सिद्धांत है जो दिया हुआ पीछे, वो इसको रणबंदी संसार कहते हैं। तो संकल्प में संसार है, ये मनुष्य स्त्री है, यहाँ पर नया कर्म बना सकता है या पीछे चुका दो। तो भगवान ने ऐसी कृपा करी है, लीला बनाई के साथ साथ तो पुराने चुकाते भी जाओ, और अब नए सोचते हो, नए कर्म भी बढ़ाते जाओ, नए भी बढ़ाते हो। अगर पीछे से दुख पा रहे और समझ आ गई किसी साधु संत से या वैसे कुछ भाग्य से, तो फिर वो अभी अच्छे कर्म बना दो। रणबंदी पीछे का तो भोगना पड़ेगा, उसमें तो कोई टाल मटोल नहीं है। बंदूक से जो गोली निकल गई वो तो निशान पर जाएगी। तो पहले जो कर्म दे के आ, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे राजा हो, चाहे बादशाह हो, वो तो उसको भोगना ही पड़ेगा। और जिस दिन वो खत्म हो जाएगा उस दिन हम फिर नहीं रहेंगे। बात आई नहीं समझ में? यहाँ कोई नहीं किसी का, न कोई पति है, न कोई पत्नी है, न कोई बेटा है, न कोई भाई है। क्यों कि जाएंगे तो कोई साथ तो जाता ही नहीं। देखो ना, यहाँ पर सब प्यार करते हैं, हम सब सेवा करते हैं, और जाएंगे सवार निकल के रही रह जाएगा सब। अगर ये बात समझ में आ जाए आदमी को तो हल्का रहेगा कि चार दोस्त के लिए है, चार दोस्त दे दिए। तो ये संसार फिर समझ लेना बात को। ये नया दे रहा हूँ भी सत्संग, इसके सत्संग निकाल दें इससे पहले, या तो सहन में है वो शुरू कर रहा हूँ कि ये संसार रणबंदी है। इस संसार में सत्य कुछ नहीं है, भासता है, दिखता है, ये सबका सब माया है। आपके शरीर भी माया है, ये नहीं रहेंगे तो आज शरीर वो नहीं रहेगा। ये मकान भी जैसे है आप फिर खत्म हो जाए कोई दिन, ये जो कार जो है ये भी खत्म। मतलब जो आप दृष्टि खोल के देखते हो सबके सब माया है। ऊपर के लोग को छोड़ दो, वो भासता है, वो मरी जम के भेजा। इस लोक के अंदर जो कुछ भी आप देखते हो सब की सब माया है, सदा रहने वाली चीज़ नहीं है, खींचती आपको। तो इसलिए इस संसार को बताया ये काल और माया का लोक। अब काल किसका है? काल कहते क्रिएटर को। जो प्रकाश है वो काल का लोक है, उसे हमारी ज़िंदगी बनती है। जो हम बोल रहे हैं सब कुछ शरीर है, मन है वगैरह जो है, इससे बनता है। तो हमारी तीन चीज़ इस भव केंद्र है, इधर से बनी देंगे शरीर, मन और आत्मा। ये तीन चीज़ जो हमारी, बस आत्मा ही को मान लिया है। गीता रामायणों को पता ही नहीं है, वो आत्मा आत्मा ही करते हैं सब कुछ, और वो पढ़ते हैं, वो धारा है कि सारा दिन पाठ करें गीता से, पाठ करें रामायण का, करें पढ़ते हो। तो ये इसके लिए ज्ञान कब भी होगा, इसको अनुभवी पुरुष कोई मिलता है उसका नाम गुरु है, क्योंकि वो ज्ञान देता है, समझ देता है, और वो ज़िंदगी की भी समझ देता है। ज़िंदगी में कैसे रहो, और सिर्फ आगे के लिए बताता है कि तुम कुछ बनना है तो आगे से बन जाओ, सोचोगे वही। तो अनुभवी पुरुष की देख मिल जाता है तो क्या कहे, काल माया का देश तो इतना भारा नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे का कर्म वो सुंदर बना देगा, उसके दर्शन से प्रश्न से सुंदर बना। पिछला भोगना पड़ेगा, पिछला कर्म जो आता है भोगना, तो वो भोगने का तरीका बताता है। वो एक अवस्था पर पहुँचाता है, और उस अवस्था पर आदि भोगता रहता है, परवाह नहीं करता, वो ज्ञान देता है। फिर मूर्ति को मानोगे सिद्धि आ जाएगी आपको, राम की मानो, देवी की मानो, किसी मानो, किसी मूर्ति से इकट्ठा मन इकट्ठा करने का दिया ही, मन इकट्ठा हो जाएगा, इष्ट आ गया, राम आ गया, मन इकट्ठा हो गया, विल पावर बन गया आपकी, सोचो वही होगा।
चाहे देवी को करके कर लो, चाहे बालाजी को करके कर लो, चाहे बुद्ध को कर लो, चाहे थारी मर्जी से कुछ है तो एक दो तीन चार की नहीं कर लो। मन इकट्ठा करने का नाम जो है इसका सुमण कहते हैं और ध्यान कहते हैं, और ये सुमण ध्यान बनने से आगे चलेगा, नहीं तो निकलेगा नहीं, शरीर से नहीं निकलेगा। तो आगे का जो साधन की बात है वो तो करके सत्य में आगे बताऊँगा, अभी आगे जो होगी संक्षेप में जितनी बातें करी हैं। आज तरह लोग इस लोक में क्या कर सकते हैं, आपके दो चीज़, एक तो प्रारंभ कर्म भोगना, तो भोगे तो यही, एक तो हाया करके भोगेंगे, अरे किसी अनुभवी की संगत करोगे तो हाया नहीं करोगे आप, कर्म भोगोगे राजी राज्य होगे तो ठीक है, इन दोनों बाजी है, बाजी मारी लो ठीक आ जाए तो ठीक, तीन आ जाए तो ठीक है, जो 21 आ जाए तो ठीक है, कामयाब हो गए तो ठीक है। अभी मैं सत्संग कराने के लिए आया हूँ तो मैं इस योग का मैं करता हूँ कि मतलब अनुभव है मेरे को, कोई शींग पूछ नहीं लगे, साधारण आदमी साधारण बात जानता हूँ, पर मेरे को इसका अनुभव है। किससे? वो कहते गुरु कृपा से ज्ञान, गुरुमन ज्ञान, ज्ञान मिल गया शुरू की अनुभूति मिल गई, बात हो गई, समझ में आ गई, नौकरी करी अच्छी अच्छी, पेंशन ली, सब कुछ काम किया, बाल बच्चे दर्द हो बच्चे बता हुए सब कुछ ठाट और कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी समझ गुरु की संगत कोई दे रहे, कोई गुरु का मतलब ज्ञान, ज्ञान क्या है, कथाकार नहीं जो कथा पढ़ के सुनाते या कथाकार है वो सब ज्ञान नहीं बन रहे आजकल, ऐसे का मुरारी बापू हैं जो आसाराम जी कथाकार हैं, सब के सब कथाकार थे, कथा सुनाते भी सुंदर बहुत अच्छी। एक दफ़े मैं गया था कहीं, ये होता नहीं का वो साल के अच्छे बना गया, अच्छे साल के बाद में पर वो होता नहीं, हमेशा इकट्ठे होते हैं ना कुंभ, कुंभ में गया था, तो वहाँ पर कुंभ केंद्र में देखा आसाराम जी को भी देखा और उसको मुरारी बापू को भी देखा और सब मंडपा में गया मैं, और जो लाग आया उनको भी देखा, सबको सब साधुओं को मेरे को दिखाया। मैं गया था, एक मेरा आचार्य थे वहाँ पर, तो आचार्य हमारे आश्रम का मेरा दोस्त था, तो गुरु जी जो यहाँ पर गद्दी बैठे उसने कहा आप चलो और वहाँ आइए, मैं वहाँ चला गया तो सब जितना पूरा दिखा मंडप सबका दिखाया, आसाराम का दिखाया, उसका दिखाया, उसका, तो फिर हम तो कुछ लागू में देखा, फिर कहीं शुद्ध को देखा, ऐसे फिर बड़ा गाड़ी काट दो ऊपर की निकालता वो जिंदा बच्चे बैठे रहता है, ऐसे सिद्धियाँ को दिखाया, वो दिखाया, फिर हम मुरारी बापू के आश्रम चले गए, वो मंडप जो था उसका, उसमें बैठी संगत खूब अच्छी तरह से ठसा ठस हो भरा हुआ, और मुरारी बापू कथा कर रहा, कथा बता रहा बड़ी शानदार, भरत मिलाप की कथा बता रहा, भरत मिलाप के भरत आए रिश्ते आके कह लगे राज बोल राज नहीं करूँगा, और आप भी रोता जाए भैया हम वो भाषा बोलता जाए अपनी, और ऐसे करो आप रोता जाए सारी संगत रोए, ऐसे टपोटो सुख कर दो, कथाकार कथा में लीन हो गया, उसका रेडिएशन पड़ी सब सब घर रो रही, और मैं देखता रहा उसके साथ रहा, मेरा अनुभव ही थी उस वक्त, अनुभव उस वक्त बहुत क्या था कि ये सब खेल है, सब काम गुजार, ये मेरे मतलब जिसको जीवित मुक्त कहते हैं ना उस अवस्था का असर था, कोई फर्क नहीं पड़ा, देखता रहा ठीक है। फिर बाद में आसाराम जी के चले गए, आसाराम जी का आगे दुकानों ही दुकानें लग रही वहाँ पर, हर तरह तरह वो बिजनेस बनते गए वहाँ पर, वो निकले वो बात गुजरी, उसको भी देखा मेरे मतलब वो सब मंडप देख करके उस वक्त मौका मिला मेरे को, कुछ आश्चर्य नहीं मेरे दिए सब उसको आया, वो जो देखा ना मैंने कोई नई बात नहीं थी मेरे लिए, मेरे नए आदमी की नई बात थी, मैं योगी था, मैं अनुभव था क्या कह रहे, जैसे आया बोलता आया पता लग जाता है क्या कुछ होता है, मेरे पर असर नहीं हुआ कहता है ये, तो ये कह रहे हैं आचार्य आप आचार्य हैं सब आचार्य सुन रहे ना बात मेरी क्या आचरण क्या होता है। तो अब मैंने वो सब कुछ देख देख करके वो बात समझ में आ गई। तो आपको बता रहे थे काल माया के लोक में रहते हुए कोई अनुभवी पुरुष मिल जाएगा आपको, तो वो जो पिछले कर्म भोगने की तकलीफ ली होगी आपको, कर्म तो भोगना पड़ेंगे लेकिन आप राजी राजी भोग लोगे, कैसे भोग लोगे, तो मेरा क्या होता है कोई बात नहीं, वो दुख देने वाला नहीं था मेरे को, दुख है मैं बताता हूँ रोज सत्य हूँ कि आज तुम सबको माफ़ कर दो, उनकी गलती नहीं थी, माफ़ करे कौन गांठ बनी रखे सबके सब, मैं सत्य कहता हूँ आज ही छोड़ दो ईर्षा दो इसको छोड़ जाओ बस आगे काम शुरू हो जाएगा, छोड़ो इसका हेरा फेरी झूठ कपट वगैरह छोड़ो बाबा, किसका चार दिन की जिंदगी है, पर छोड़ खाला का घर नहीं है, बड़े शुभ कर्म हो बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्ग सब गंथन गावा, और फिर बड़े भाग कोई अच्छे अनुभवी पुरुष मिले ऐसे मिलेगा, और मिल भी जाए जब आप जाओगे आधे लगाओगे नहीं समझोगे, बोले वो तो यही करे दूसरे का भाग जाओगे तीसरे भाग जाओगे, एक को छोड़ो दूसरे को जाओगे तीसरे को जाओगे धक्का खाते फिरोगे, निश्चा से बुद्धि नहीं आती। तो आप इच्छा करो सर जब जो चाहते हो ऐसे कोई पुरुष मिल जाएगा आपको तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मैं तो कोई गुरु नहीं हूँ, तो ज्ञान ज्ञान देता हूँ, ज्ञान ले लो जितना ए टू जेड पूरा, अगर लेना चाहो नहीं लो तो मैं नहीं दे सकता, कल ही एक मिल गया वकील आ गया उधर वहाँ पर, तो बैठे बैठे बात कर लागे वो वहाँ बात कर लागे कोई ऐसे ही
मान लग गया, बोले जी भगवान को देखा क्या? मैं पहले बता चुका कि परमात्मा कहाँ है, और फिर होता आपने भगवान को देखा, मेरी बात सुनी ही नहीं थी उसकी, जब मेरी बात सुनेगा नहीं प्रसन्न करेगा, मेरी पूरी बात सुनेगा प्रसन्न नहीं रहेगा। उस वकील साहब ने बात नहीं सुनी, जो मैं मेरी सुनी नहीं, अपने सोचा था मैं ऐसे पूछूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, मैं बोलता रहा। तो वो परे स्वर्गत बोल दिया आगे कोई प्रश्न है गए, और तो सब किसी ने नहीं बोला, और दूसरी तीसरी बोल बोला तो ऐसे खड़ा होकर खड़ा हो गया आगे बोला जी वो बात, बोले जी परमात्मा को देखा कि परमात्मा, तुम्हें कहा चलता तुम्हें पूछ रहा था परमात्मा किसी ने देखा गया भैया, तो पूछा आपने देखा तो बात बोलती ममता तो दिया परमात्मा आपके अंदर भैया, आके जब बैठे तो उसी वक्त बता दिया था, पर वो क्यों सुना था, वो तो उन्होंने बाकी सब बैठ रहा क्या आज हम बात करेंगे उस सवाल को हम सवाल करेंगे ये करेंगे अपना सोचता रहे, वो भी सब सब खत्म होने के बाद सत्यम शुक्र है सब पूरा खत्म होने के बाद फिर से बोले साहब ये बात परमात्मा है प्रूफ करो साहब ये बात और आपके अंदर है वो परमात्मा, आप जो बता रहे हो प्रूफ कर रहे हो, प्रूफ कैसे कर रहे हो, तो मैं जीवता बैठा हूँ मैं कहीं नहीं जाता किसी के अंदर, और मेरा रूप प्रकट कर लेता कोई और मेरे को बताता है कि आप आए मैं तो गया नहीं, तो कौन सा उसी में शक्ति हुई ना, और एक दूसरा तो उसका तो मतलब यह है कि बात बता दी मैं पहले फिर उसने सुनी हुई, तो आप सत्संग में जाते हैं सुनते नहीं हम, इसके सुनने की टेक्निक होती है बड़ी ज़बरदस्त तरफ हो तो अभ्यास हो, या श्रद्धा का मामला है, जिसको श्रद्धा ही नहीं है वो ये जो ज्ञान समझेगा नहीं, जब मैं श्रद्धा नाम लिया तो वो कहते हाँ यह बात तो ठीक है, अरे तो यह बात तेरे श्रद्धा को तो पता सा तो लेके नहीं आया यार, पता सा इतना तो लेके नहीं आया, दो तू ऐसे किताब लेके टेढ़े मुड़ के आगे बात कर रहा, बात समझे रहे आप, वो बात सुनेगा नहीं, वो कल मेरी सुनी थी उसने बिल्कुल से जोर लगाया, मैं कोशिश करी और फिर और लोगों ने कोशिश करी, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कौन है भाई वो दस साहब आए हैं ये, अरे आ गए जाओ कुर्सी दे उनकी जिस बैठो इधर यहाँ पर, हम आपको इंतजार कर रहे थे बहुत ज़्यादा, इधर आ जाओ इधर बैठो इधर, मैं बता रहा हूँ कि ये लोग जो है कर्जे का मेरा सब सुन लेना साहब आप भी, ये जो आज अलग सत्य दे रहा हूँ, इस लोक में जो हमारे पीछे जो कुछ किया है पहले धर्म में वो भोगने के लिए आए हैं, किसी को दिया है तो लेने के लिए आए हैं, किसी का दिया है तो देने के लिए आए हैं, जो कुछ भी दिया दुख दिया सुख दिया प्रेम करा सेवा करी जो कुछ हमने किया वो लेने के लिए आए हैं, किसी को धोखा दिया धोखा, किसी चोरी करी चोरी करने के लिए, मतलब ये जो कुछ हमने पीछे किया है उसका लेखा जोखा चुकाने के लिए जन्म लिया आपने यहाँ पर, और जन्म लेने का क्या तरीका है आप दोबारा दोहरा रहे बात जज साहब के लिए दोबारा क्या कर, जब से हम यहाँ पर आइए तो हमारे साथ टीम आ गई जो लेने देने वाले सब लेने देने वाले टीम है, वो कौन है हमारे हमारे नियर और डियर, वो टीम है वो नियर और डियर, बेटा पति पत्नी बन के आए हैं वो सब किस वैसे नहीं आए, वो लेने देने के लिए आए, और कहीं का कोई आदमी लेने देने का आता, अब ये आचार्य साहब हैं दिल्ली के मनोज कुमार सिंगर, अब इसका कोई लेने देने का चक्कर था तो और सीधा मेरे पास आया, मेरे पास आते फिर बात समझ लिया, और जब मैं काम कर रहा था बोले इधर का भी आचार्य जो होगा तो इसके बाद ये इसको करूँगा मैं बढ़ा दिया मैंने, तो मैंने किसी बनाया आचार्य, अब जो मेरे को कहते हैं ना जो मुझे भी कहते हैं ना कि नाम दान तो देता ही नहीं है, बोलिए कौन कहते इसे ले लेना, इससे ले लेना नाम दान है, इसका सत्संग ही देगा मेरी तरह बड़ी, इससे ले लेना ध्यान करो तो इसका कर लेना एक को कर दो, मैंने आज तक बताया कि किसी को ये एक आदमी मैंने चुना इसको कर लेना ध्यान, तो जो कुछ गुण इसको आ जाएंगे आप, मैं मेरा तो देता नहीं क्योंकि मैं तोड़ दी आदमी हूँ गाँव का आदमी हूँ, 93 साल की उम्र होगी आज तो मेरा ध्यान करोगा गुरु बनाओगे और कल फिर मैं नहीं रहूँगा तो फिर बात बात चलते, वैसे गुरु मरता नहीं है और ज्ञान आपको मिलेगा किस तरीके से, पर वो सर भ्रम में पड़ जाओगे, उस गुरु के पास जाओगे उस गुरु के पास जाओगे उस गुरु के पास जाओगे, तो इसी तरह मैं इधर के आपको तैयार कर रहा हूँ, जो तैयार हो जाएगा उसी को बता दूंगा मैं आप में से कि आप ये काम कर रहे हैं, तैयार का मतलब क्या है कि इस काबिल बन जाओ, क्या कि ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा निकाल दो, डर भय सब कुछ भी नहीं आपको बिल्कुल, किसी से ईर्ष्या नहीं किसी से द्वेष नहीं, सब का कोई बात नहीं, कोई दुख देता समझ लो बेचारे को इसको समझ नहीं, परमात्मा इसको सदमति दो, परमात्मा इसको सदमति दो, आपको आते बता दी आप ईश्वर से हैं, ईश्वर कहीं है तो आप में है, दुख क्या है आपको अज्ञान है पता नहीं है, क्या पता नहीं सोचने का पता नहीं है, जो सोचते हो दो तरह का सोचते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, जो घटिया सोचते हो उसका फल तो आपके मन के प्रतिकूल घटेगा जिंदगी में, जैसे बता दिया पहले आचार्य ने बता दिया आपको कि घटिया का फल तो आपको घटिया और बढ़िया मिलोगे तो आप मन के अनुकूल होगा, ये सत्य मुझाना चाहता पूरा इसे आ जाए यहाँ से आपको, पर फिर आप सोचोगे यही तो आ गया फिर ईसा हो जाएगी किसी को
कोई कहते वाले वो आज तक हमारे को तो गुप्ता जी कहें आज तक हमारे को तो कह एक दिन की टाइम नहीं देती दिया नहीं और इसको सत्संग उड़ा दिया। सब जो होता है ना कुदरती बात न समझने से होता है न समझी से। तो कारण क्या है आपको जो मैं बता रहा था ये कर्म का लेने देने का चक्कर है। अगर बाप के भाग अच्छे हैं तो कोई ऐसा सत्पुरुष मिल जाएगा आपको अनुभवी जो जिसकी संगत से आपको ये जो दुख सुख भोगते हो दुख नहीं होगा ये फायदा होगा। आपको सत्संग पिछले कर्म तो भोगने पड़ेंगे पर इस जिंदगी में जो तकलीफ आती है को रोग लगता है कोई एक्सीडेंट उठ जाएगा तो घबराओगे नहीं आप और कोई आपके मन के प्रतिकूल काम कर देगा तो दुखी नहीं होगे। ये फर्क ज्ञान का मतलब है कि आपको दुख सुख नहीं व्यापेगा और कर्म भोगने पड़ेंगे। और बीमारी कहीं कहते वो जी बीमार हो जाते मेरे को कोई ले जाते ही दे दो प्रसाद दे दो ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। अरे वो क्या ठीक हो जाएगा मेरी बात तो समझे नहीं जिससे ठीक होना ठीक हो जाएगा अनु कहता ठीक हो जाएगा और जैसी अलग होगा तो उसका कर्म मैं क्या हूँ वो तो मैं दिल बहलाने को गालब ख्याल अच्छा है पॉजिटिव विचार देता हूँ। मैं ये नहीं कहता कोई मेरे में सीधी वाली बात नहीं है ये कहीं सीधी बात है वो उनका मन का मामला है। तो आपके मन में शक्ति है आपके विश्वास में शक्ति है और इस बात को अगर आपको वो आपको सोगा तो वो ये नहीं कहेगा मैं करूँ वो कहेगा आपके अंदर है वो शक्ति आप ईश्वर से आप जो ईश्वर है वो आपके अंदर है आप समझेंगे नहीं ताकि आपको भरोसा जाए मेरे में और आपके विचार में शक्ति है कि जो सोचोगे वैसे ही होगा। तो कैसे सोचने से एक दिन सोचने से नहीं जो आपके सोचने की ताकत है बाकी रहेगी जब तक आपका ब्रह्मचर्य कायम है मानसिक और शारीरिक तब तक तो आपकी विल पावर है और ब्रह्मचर्य गिर गया तो जयराम जी की तो इसके लिए क्या कि जिंदगी में गृहस्थ नहीं भोगना व्यास नहीं चार आश्रम गृहस्थ भोगो शादी करो ब्याह करो बच्चे पैदा करो ठीक है जब बच्चे की जरूरत नहीं है स्वाद के लिए गृहस्थ मत भोगो तो स्वाद के लिए क्या करना है सीधा इधर आ जाओ ये ब्राह्मणों का मंत्र ओम भूर भवे स्वे तत्सवित्र ब्रह्म भगव देव से धीमयी धियोजन प्रसोध्या ऐ मनुष्य तू जागते सपने और सुस्वती गरी नींद से आगे जो सूर्य है उसका दर्शन करो तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ रहेगी और इस जैसा आनंद कहीं है नहीं ये तो कुछ एक डेढ़ मिनट का आनंद है गृहस्थ का और एक डेढ़ मिनट के बाद वो जयराम जी की शक्ति जागी निकल जैसे पत्नी की पति की दुनिया की तो फिर वो शक्ति आस्ते गिरते गिरते बहम रहेंगे चिलता स्वभाव हो जाएगा गुस्सा आने लग जाएगा जब पहली से फसल ब्याह करके रहे हो पति पत्नी को और बड़ी खुश हो बहुत घोड़ा रहा चार पैसे और होटल में खाना खिला प्लेट दी पता नहीं 500 की ये करा वो करा वो उसके लिए करा खुशी के लिए और खुशी तो यह रहनी चाहिए हमेशा। जब पत्नी घर में आई तो वो कमी क्यों जाती है कि वो काम ही बढ़ जाता है बच्चे पैदा करने के लिए गृहस्थ नहीं भोगता वो पत्नी को एक काम का जरिया बना रहता है दिन का थका थकाया परेशानी है और थोड़ी गर्मी होती है और वो अपनी शक्ति निकाल देती है खीर खांड समझा के या बात नहीं तो माँ बतावे न बाप बतावे न को गुरु बतावे न को डॉक्टर बतावे डॉक्टर ने खुद नहीं फिर नहीं पागल हो फिर मेंटल इसका नहीं इलाज तो हम डॉक्टरों से कराते हैं इलाज तो वो करेंगे पर वो उसको पता नहीं है किसी डॉक्टर बालेस्टर को पता नहीं है राष्ट्रपति को किसी मनुष्य मात्र को पता नहीं इस बात का तो क्या सोच रहा है। और फिर ये मैंने आपको कामुकता बता दी गर्म क्यों कड़ाई होती है क्यों जिससे इतना प्यार था तो वो प्यार रहना चाहिए ना भाई हमेशा वही होना चाहिए पत्नी देखिए खुश हो और आप पति आपको देख खुश हो और आप मुँह चढ़ाए बैठे रहते हैं पान खाड़े की तरफ जाते हैं कभी आप मुँह बढ़ाते हैं कभी पत्नी उखड़ी बात कर देते हो कभी पत्नी पति होकर देती है कि थारी भाई हैं कर थर बाप ही कर दो तो इसलिए वो है कि वो जो कामुकता है वो स्वाद के लिए नहीं है ये अज्ञान है सबको इसलिए वो संतान पैदा करनी हमारे जैसा और उसके बाद वो रखने की चीज़ है ब्रह्मचारी आप में शक्ति रहेगी मौत तो आएगी सबको बूढ़ा नहीं समझोगे आप हिम्मत मर्द मत्ते खुदा हिम्मत मर्द मत्ते खुदा आदमी को हिम्मत होती है और वो हिम्मत होगी उसी से और वो चीज़ अज्ञान से सबको ज्ञान है। तो मैं ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं करूँगा बता दिया तो सोचने में आपके में है इस साथ वे इस नफरत से जो सोचते हो विचार ऊपर चलते हैं उसका कर्म बन जाता है और घर के अंदर कड़क फिर से तो उसको निकालना पड़ेगा आपको चाहे तो आज व्रत कर लो आज से कर दो मैं किसे नाराज हूँगा ही नहीं सास से एक ससुर से एक पति से एक पत्नी से नाराजगी का बना ही किसी पड़ोसी किसी ने मेरा बुरा भी कराया तो पर भाई सुन में पहली जो बात होगी वो ठीक करते नहीं कराया था ये मेरा ही कोई अशुभ कर्म था भाया ये वो दूसरे को नहीं करेगा मेरा अशुभ कर्म था जब तेरे को ही करना पड़ेगा तू भला आदमी है तू थोड़ा ही करेगा आइए ना समझ बात तो ये आपको करना पड़ेगा ये मन तो साफ हो गयो बस बात सब मन चंगा तो कठोती में गंगा मेरे चारी आए दिल्ली से चल के और विशेष था यंग
और ये क्या चाह रही है मैं दानिश को बताता हूँ, इसका कर लो, अगर ध्यान बन गया तो तुम कामयाब होने, तो नहीं कामयाब, क्या बता रहा हूँ मैं, ध्यान करना इसके, इसका गुण आ जाएंगे। और आपको क्या चाहते हो, ध्यान ही नहीं कर सकते, कहीं सर इसको छोड़ दो, किसी का कर लेना जहाँ विश्वास हो उसका, ध्यान बन जाए तो मेरे से बात करना, तो मेरा ध्यान बनता है, तब तो आप सत्संग देंगे, कुछ तो बताएंगे, इतना तो बताएंगे, ध्यान कर मिल जाएगा तेरे को, ध्यान बड़े को नहीं आपका, बस ये करते हैं भाषण करते हैं, भाषण करते हैं दुनिया भर का, अरे भाषण का सब्जेक्ट नहीं है, ये अनुभव का सब्जेक्ट है, अपने आप को बढ़ाओ पहले, तो ध्यान ध्यान किसका बताया, राजस्वयं फेस में वो परी महात्मा ने बताया, इसका बताया ऋषि मुनि ने बताया, इशारे से प्रभु इशारे से बताया उन्होंने, और फिर संत मंत्र क्लियर कर दिया, गुरु का ध्यान दर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना, एक बात नाम के रंग में रंग जा मिले तुझे धाम निज अपना, दूसरी बात पहले कह गुरु का ध्यान कर तू मिले तू, गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना, इसके बगैर कुछ से छूटोगे नहीं, तो एक इष्ट का ध्यान बढ़ा लो, किसका बढ़ा लो, सारी मिर्जा बढ़ा लो, मैं तो गुरु हूँ को नहीं, मैं तो ओढ़दरी आदमी हूँ, आपका भाई भाई समझो, जैसे आप देवी मान जाना भी देवी निकालो, ये मन जानो धन जानो, क्योंकि इसमें क्या वैसे ही जाना है एक दूसरा, तो अभी आप जो हैं ब्रह्मचारी आश्रम खेल रहा है पूरी ब्रह्मचारी है, और इनके जज साहब को मैंने कहा कि भाई ये काम करो आप, अगर इनको लगन हो, इनका शुभ कर्म हो तो ये नहीं करो, कितने लोगों का कल्याण करेगा, जैसे मनोज अपना नहीं करो कितने को करेगा, इसने मेरी पुस्तकों की लाइब्रेरी बना दी, आज तक किसी ने लाइब्रेरी बनाई नहीं, बड़ी बनाई है, पैसे लगाए अपने कमाई के पैसे, लाइब्रेरी फर्स्ट क्लास जाओगे देखोगे आप, इसको एक गांव में लगा दी नज़दीक दिल्ली के, और वहाँ से जो आगे सप्लाई करता बुक देते रहता, यूपी में बिहार में लेके जाना नहीं पड़ता, कहीं भी यूपी में पंजाब में चंडीगढ़ इत्यादि में कहीं लेके नहीं जाना पड़ता, क्यों गई बनाई लाइब्रेरी, तो उसको बताया यार इधर से भेज दिया करो तुम, मैं बताता हूँ इतने बंडल भिजा दो भिजा देता हूँ, समझे नहीं बात, तो गुप्पल है गुरु का ध्यान दर, किस गुरु का था जब से उसका कर एक का बढ़ा लो, तो पहले मूर्तियों को बताते थे, मगर तो मूर्ति मूर्ति है, ज्ञान कौन देगा, शक्ति तो आ जाएगी आपको, राम के ध्यान से भी आ जाएगी, देवी के ध्यान से आ जाएगी, बालाजी के ध्यान से आ जाएगी, और किसी मूर्ति का ध्यान कर लोगे और विश्वास करोगा तो आपका विश्वास तो फल फूलेगा, विश्वास कम फलदायक कम, पर ज्ञान नहीं देगी वो, ज्ञान जिंदा गुरु देगा जिंदा, और अनुभव भी देगा, अब कौन अनुभव है, जिसको आप छांटते हो, जिसको आप समझते हो, ये उसका कर लो, सीधी होगी ना बात, कोई कोई भक्त मेरे को अनुभव है वो बता दीजिए, आप तरीका बताता हूँ आप ये कर लो, तो गुरु का ध्यान धर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना, आप जो करें पहले पहला काम है किसको बनाओ, आपकी मर्जी बना लो, उसको एक इष्ट बना लो और उसको माथे पर रखो, जिसको समझते हो उसको पूरा ज्ञान है, ये मेरे लिए सब कुछ, वो आप छांटोगे, मैं नहीं बताऊँगा आपसे, क्यों मेरे बताने से क्या, काम तो आपके करने से होगा, तो एक इष्ट बना लो और उसका ध्यान कर लो, अगर ज्ञान चाहते हो तो जिंदगी को कर लो, और सिद्धि चाहते हो तो कोई मर्जी आओ उसको कर लो, सिद्धि चाहते हो तो राम का रखो, कृष्ण का रखो, देवी का रखो, तारी मर्जी रखो, उसको पूरा बांधो, पूरे मानो कि देवी मैया मेरे साथ है, राम मेरे साथ है, और वो आराध्य साथ है, और आप जैसे उसका कर लो, और जो गुरु को ध्यान भी नहीं करता आज भी समझ जाने भी कोई कमज़ोर है, और आपने उसको समझ लिया कि सब कुछ है, तो शक्ति तो आप में है, आपकी शक्ति वो पूरा कर देगी, और फिर अगर आगे जाना चाहते हो तो परमात्मा आपको उधर भेज देगा, तो आगे का गुरु होगा, उससे ध्यान बन गया, सब कुछ काम करेगा, गुरु के पास बन गया, ध्यान बन गया, सीधी आ गई, और फिर पता आगे का चीज़ नहीं बता सकते वो, तो आपकी आपका मन पवित्र है, तो आपको वही परमात्मा आपका से अपने आपको ऐसी जगह रह जाएगा जिससे आप आगे इससे बंधित कर दो, कहीं जाना नहीं कहना नहीं, आपके मन में यह शक्ति है, आपके मन की पवित्रता अपने आप कर देगी, फिर उनको मालिक तो हर जगह हर आदमी के मैं आपके अंदर कहाँ ढूंढने जाना है, जब आप सोचोगे ना कभी यहाँ तो मैं आगे जाना चाहता हूँ आगे नहीं जा, तो वो पहले रूप बनता है, रूप तो छुटाएगा मेरा रूप नहीं, या गुरु ही बता देगा भाई आगे जाना नहीं, दूसरा कुछ पैसे बताएगा नहीं, कि वो संस्कार आप पैसे देते हो, नया नोट देते हो, अभी इसने मेरे को 22,000 रुपया दिया नया नोट लिया, तो मैं मेरे को उमंग नहीं आई, किसकी उमंग आई, ये 1,00,000 रुपया खर्च करे तो चलेंगे तैयार है, वो गुप्ता मेरा गुरु भाई रहा, वो कहता किसी पैसे लेना नहीं किताबों का मैं दूंगा, और मैं कई फ़ोन करते हैं मुझसे तो मैं आपको पैसे भेज दूँ आपके पास में 1,00,000-2,00,000 रुपया सेवा के लिए, वो भाई आ गए और क्यों, नहीं तो मेरा आश्रम है यार, तेरे को लेके मैं कहाँ दूँगा, एक पैसा तो देना पड़ता है लेने के बाद, तो तेरे क्यों दूँगा, मेरे पास नहीं रोजी ठीक है, मेरा प्रबंध है वो रोजी मेरे को मिलती है, मैं 5-10 साल में और खुआ सकता हूँ मेरे सरकार, काम कर्जा चुकाने के लिए आए हैं, कोई किसी का पति पत्नी नहीं है, तो ऐसे नहीं करने नहीं है, ये राज बता रहा हूँ, भेद बता रहा हूँ, क्योंकि आप जाओगे तो आपके साथ ही जाएगा,
आपके कर्म आपके साथ जाइए ने पति का जाइए ने पत्नी परित पति करेगा वो पति पाओगे पत्नी करेगी वो पत्नी पाओगी। कथा है लेकिन मैं कथा बताता नहीं आपको, कथा भी नहीं जाता मैं छोटे बता दूँ दस करो मत करो। तो वो आपका कर्म आपके साथ जाएगा, अगर पति हो तो आप अच्छी पत्नी आप ड्यूटी करो पत्नी बुरा करती है वो पाओगी, और अगर पत्नी बुरा करे वो पाएगी पति करेगा वो पाएगा। किसी का कर्म कोई नहीं लेता है, ये तो पिछड़ा चुकाने के लिए आए हैं बनिए डियर बन के, पिछड़ा चुकाएगा वो चुका के जाएगा और जैसे चुक जाएगा चल जाएगा। तो जितने आपके नियर और डियर बने इस लोक के अंदर वो ठीक है, किसी आए आपकी मदद करना है साथ, पर काए कैसे हैं आपका कर्जा तारण कोई तो लेने के लिए आया बेटा बनकी, कोई देने के लिए आया है, कोई सुख देने के लिए आया, कोई दुख देने के लिए आया, कोई प्रेम करने के लिए आया, कोई धोखा देने के लिए आया, मतलब जो कुछ आपके साथ मिलते नहीं आदमी से टक्कर होती वो सब देने देने वाले। और नियर डियर खास है जिसके लिए आप खूब कमाएंगे, आप जो काम उठा पुटा भी करेंगे। अब वो बात चल रही सेठ है, बोले सेठ की एक साल की कमाई नहीं है, अब प्रधानमंत्री तो कहते हैं सेठ उसके कमाई रहे, अरे उसके चार पीढ़ी पांच पीढ़ी कमाई है, कैसे पांच पीढ़ी तक उसके बाप ने कमाया खूब, और उसने झूठ भी बोलना पड़ा रहे, हेरा फिर भी करनी पड़ी सब कुछ, बीका फड़ तो जाते सेठ जी ने भोग गया बेचारा पड़ा रहा बीमार रहा कई दिन, अरे वो चला गया वो छूट गया बेटा के धन, फिर भी का बाप जो करा वो कमाता रहा खूब, हेरा फिर जो जीती करी खूब धमका छोड़ गया और वो भी छोड़ गया चला गया, दुख पाया वो दुख वो पा के गए। तो इनके पास बनियों का बढ़िया बढ़िया करते कहीं चार पीढ़ी की कमाई है पांच पीढ़ी कमाई दबाए बैठे हैं, और उसको कहते हैं इलाज दे दो, तो क्यों कहे गलती नहीं उनकी, उनको अज्ञान है, अज्ञान है, ये नहीं कि अभी इनको कहते लूटिया तो फल पा गए, लूट की जो ले गए वो तो अपना कर्म का फल बन लेंगे, वो तो दुख पाए कई दिन तक बीमार रह गए हैं, कई दिन तकलीफ आई है और फिर गए हैं, पर वो एक दिन ही कमाई नहीं है यार, यज्ञ राज है ये बात का भेद, पर सुने कौन इट की आवाज़ नाकार है कौन सुन मेरे जैसी आवाज़ कौन सुने क्यों कैसे सुने राज रहता राज रहता भी इसी चक्कर में, तो आप भी चक्कर में अज्ञान के अंदर सब दुखी हैं भाइयों, तो आपको ये अज्ञान का दुख है और आपको उसके ज्ञान हो जाएगा जीव पुरुष से, और वो आपको तरीका बता देगा कि वो कर्म कैसे काटो, तरीका बता देगा, तरीका बताएगा ऐसे काटो। कहते सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे कर्म झुकात चुकाए, भूल भरम में सब जग पछता अचरज बात न काए स्वाहे, भागहीन नर ओ ये मारा वो फलाना फलाना मारा कर्मों का मारा फिरता ऐसे ऐसे। तो सतगुरु की शरण गहो किस लिए है कि वो तो कर्म चुकाओ, जो आपको दुख आता है वो दुख नहीं आएगा, वो बताएगा तुमने ये पत्नी है और ये वो मेरा कह नहीं मानती मेरे साथ लड़ती है फलान निकले वो तो हाथ उठ गया बत्ती लेने देने के लिए आई है, तो पिछले दिन में उसको कोई दम दुख दिया तो राजी राजी काटता हाँ कहीं हाँ जी हाँ जी कर ले तू कि देवी तू कहीं वैसे कर ले छो गरीब बन जा कर्म तो वो काटेगी, और तू हाय करता रहे तो हाय मत करना खुश हो जाए आकर बोले अच्छा आपको जैसे कर लेते हैं आपको जैसे कर लेते हैं, और पति यहाँ करे तो पति नहीं कहते हाँ जी आपको हो जाए कर ले से। वो गुरु ऐसे तरीका बता देगा जिससे उसको दुख नहीं होगा और वो ये कर्म काटने का तरीका आसान हो जाएगा, और नहीं तो हाय हाय करोगे मेरी पत्नी ऐसे करती है मेरा पति ऐसा करता है मेरा भाई ऐसा करता है वो फलाने मेरे साथ भड़क कर दी वो सगा क्या है जी मारा तो बहुत धोखो करियो वहाँ या करी वो डीलर ठीक कौन जी मन तो धोखो दे दियो, अरे कोई धोखो कौन दे अपन दुख दिए दुख दे आपको कहीं धोखा नहीं देगा कोई नहीं देता है, अज्ञान इसलिए दुखी हो। तो सतगुरु के पास जाओगे सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे कर्म चुका चुकाए, ये क्या कर्म चुकाने के लिए सतगुरु की शरण गहो ताकि वो बता दे कि कोई तकलीफ दे रहा है वो देने देने का चक्कर है और राजी रह और आप सबका भला चाहो कि कोई जो कहे तो ये कहो परमात्मा इसको सदमति दो जो आपकी जमीन हड़ता है आपका पैसे हड़ता है तो ये नहीं कि मर जा इसको सदमति दो, ये सदमति क्यों दो क्योंकि शायद मेरा ही चुका रहा मैं दिया को नहीं होगा वो दे रहा है और उसको ब्लेम करूँ तो इसे सदमति आप तो सदमति दो और भाई मेरे मांगो कोई पर कोई बात कि ये लोग केवल कर्जे का है जो आपके साथ बेटा भाई बहू बेटियाँ जो आए हैं लेने देने के लिए आए हैं और वो राजी राजी चुकाता जाओ कोई हाय हाय मत करो ना। हाँ अपनी अस्थि सारू डालो कोशिश करो अस्थि सारू खर्चो करो अस्थि सारू चलो कोशिश करो ज़्यादा तक मैं इतना ही कर सकता हूँ। तो इस लोक के अंदर दुखी मत हो रहा जो को दुख देता आपको वो दुख नहीं दे रहा है आपने दिया हुआ है इसे सह दो। बात आ रही है अग्नि समझ मेरी आ रही है समझ अग्नि आई जितने और बात सोचोगा तो नहीं आएगी समझ में तो ये आगे तो दुखी मत हो तो पीछे का कर्जा चुकाना आए। अब दूसरा फायदा क्या इसमें लिया है कि अभी आपको अगर जिंदे सतगुरु को धारण कर लिया और जो ध्यान दूर करते उसकी बात को समझिए तो आपको क्या होगा नए कर्म सुंदर बन जाएंगे जो अभी आपको नहीं मिला है वो आगे तैयार है अभी अभी मिल जाए इस जन्म से आगे मिल जाए पर वो आपको लाभ हो जाएगा।
तो पहला तो भोगना भोगलो और अब जो सोचते हो अच्छा सोचो सोचे कर मरता है। संकल्प में सब पूरा संसार है जितना बढ़िया संकल्प से अपने संकल्प को सुंदर कर लो। तो भी एक नाम क्या बता दिया धर्म में शिव संकल्प मस्तु है मनुष्य सुंदर सुंदर सोच तेरी दुनिया सुंदर बन जाएगी। तो सोच बढ़ेगा नहीं ये मेरी बात सोचो घटिया बढ़ेगा तो दुख आएगा आपको। मैं जो आपको बात कह दी या बात याद आ जाए कि कैसे लड़ना नहीं पहले लड़ाई राजीपो कर लो अभी कोई लड़ाई मत करना वो लड़ाई नाराजी नहीं करिए दौड़ानी है जिठानी है सास है बहू है नाराजी मत करो बोलो जी गेले तो करे कोई बात करनी माफ करो माता जी आगे करिए यहाँ पर अच्छा दौड़ानी जिठानी है गेले तो हुई गोड़ में थोड़ आगे करिए कोई माफ करो मैं तो ये कह दो और बहुत नहीं समझेगी मैं सत्य तो सुना नहीं उन्हें बा करेगी बेचारी अपना कर्म चुकाओगी लेकिन आप सीधा बन जाओ राम जी गोरी का बन जाओ छोटा बन जाओ छोटा बन जाओ बड़ा रहने दो के लिए क्यों वो मजबूर है वह लेने के लिए। अगर ये आपको समझ आ जाएगी ये सत्संग जाते रहोगे गुरु के तो कभी बात बताएगा समझ में आ जाएगी तो वो आपको दुख नहीं होगा इधर कोई दुख होगा परेशानी भूल रहे होगा आप बता देगा भाई लेने दिन में राजी राजी कर ले वो भी बेटो साइया करें या बेटो गुरु पिछले धर्म ये और कहीं ये भी कह देते बेटो मैंने बूझ पैदा करे होगे जिससे तेरा विचार अभी तेरा बेटा हो गया समझेगा नहीं बात। तो ऐसा है कि ये लोग कर्जे का है सतगुरु की शरण जाओ सत्संग सुनने से आपको समझ आ जाएगी कि ये आदमी मुझे दुख नहीं दे रहा है दुख मेरे कर्मों का है मेरे को अशुभ कर्म थे इसे वो दूसरे की तरफ उंगली नहीं करेगा। कहता जब तू होता किसी शख्स पर उकस रुमा उंगलियाँ तीन झुकी रहती तेरी जानब एक आंगड़ी तेरे का नहीं एक तो उसकी तरफ है तीन तेरी तरफ है ऐसे ऐसे आंगड़ी करान कि भैया ऐसा भैया करे हैं भैया करते हैं ये करते हैं वो करते हैं और ये करते वो ऐब आ जाएंगे आप में उसका सुमन करते हो राम राम करें अगर राम जैसी आपके कहने हैं तो जो ऐब की चर्चा करोगे तो ऐब आ जाएंगे आपके अंदर किसी की ऐब जो हिम्मत करो और ये आपको काम है अपनी तो एक चाट है एक तरह का मसाला है कि दो चार बात किसी के नहीं कहें तो ठीक बाजार में जाती है बेटियाँ तो साधारण है रात में कोई बात है कि सुबह भी निकालना था मैं कहा कि जी सुनो 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 रात सुनी गए थे उनके घर में ये हुए कहा रात ये आया बस लड़े यार भाई ये होया फिर तेरी की थोड़ी जागे वाजी बात सुनो सुने आए थे नहीं ये सुनो मेरी बात सुन सुनी गए थे वहीं हुई तीन चार को नहीं बताओ तो रोटी जमो नहीं हो थे तो समझो बाजरी बताने के लिए बताने से क्या होगा वो ऐब आ जाएंगे थारे में और अब घर ही आप गृहस्थी को नहीं ए रात करने वाला क्या करें राजा की डिनर रख कर तो कर रहे हैं आप यथा राजा तथा फिर जा एक पार्टी दूसरे पर कीचड़ फेंकते कांग्रेस खराब कांग्रेस भाजपा खराब उसने ये कहा तो उसने ये कहा तो उसने ये कहा रोज की अखबारों में आती है तो दिमाग अपने खरीद कर गंदे होते हैं और उनका वो खोटा कर्म ऊपर चल जाता है ब्रह्मांड में आएगा आफत लेके आएगा जितनी राजनीति आफत आ रही है सुधार ही नहीं सकते इन्हीं का कर रहा है इनको बेरोको नहीं इनको अगर मेरे जैसे का सत्य को ब्लॉक की मेरे को कही कहा मैं तारा विधानसभा सत्य कराएंगे अपने साहब विधान हाँ ठीक है कराओ पता है किसा विधानसभा सत्य कराओगा भूल जाओगा थे खोटे कर वहाँ से कर तो बात क्या है आप जो बात करते हो इस लोक में आपको सत्संग से लाभ ये रहेगा कि जो कोई आपको तकलीफ होगी बताओगे सत्संग में तो वो अनुभवी पुरुष आपको तरीका बता देगा बेटा बेटी ऐसे कर लिया कोई बात तो आपको तकलीफ नहीं होगी कर्म तो काटना पड़ेगा तकलीफ नहीं एक बात। दूसरी बात जब आप जाओगे तो आपको आगे की बात बताएगा वो इस लोग की बात तो ऐसे कहेगा वो मांगे चुका दे भाई हाय मत कर वो बेटो को नहीं तेरो कोई पीछे में तो सुनो बेटो बन के आगे वो काटे अब खूब चिर छाती पर दाल धड़ेगा वो तो इन्हें भेजे वो इन्हें जागो और काम मर्जी हो तो काम करेगा और ये करेगा वो सब उठा करेगा क्योंकि वो शत्रु हो और वो मोह को लेके घर में आगे बेटो बन के आगे अब करो तो बो बन के आगे पत्नी बन के आगे अब काटो जी ने काट देगा तो आजकल थे जानो यू रोटी कौन खुआ समझे कि नहीं तो बात ऐसा है कि ये जो नियर डियर है बस अब देने देने के लिए सुख देता है बिन तो सुख दियर है दुख दे तो अगला भी समझ में आ जा तो आप पासा बदल सकते हो भी आप राजी राजी काट दो छोटा बन के काम काट दो और बाकी मर्जी बताओ काम कर दो और दुखी मत हो आप समझे ना दुख की बात कोई नहीं है मतलब वो अज्ञान से जो काम हो रहा है वो अज्ञान से हो रहा है जो नियर डियर समझ गया मेरी बात करिए ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूँ मैं आज पूरा कर रहा हूँ क्योंकि सत्संग दे रहा नहीं है इसे सत्संग दे रहा हूँ कि ये जितने भी आपके नियर और डियर हैं किट और किन हैं जो प्यारे हैं वो सब के सब लेने देने के चक्कर से जुड़े हैं आपके साथ या टीम जुड़ी है अब ये मैं काम कर रहा हूँ मेरे साथ टीम जुड़ी है मैं जो काम कर रहा हूँ सत्संग मैं थोड़े कर सकता था मेरे पास टीम जुड़ी आदमियों की
कोई तो कुछ करता है, ये मेरे तारी हैं। गुप्ता जी तो हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, कलेक्टिव कोर्ट में सबसे कराने के लिए जाते हैं। आप कहाँ कराते हैं? आपको बीकानेर की बताया, उधर बताया, उधर नहीं करो तो आपकी मर्जी है, पर काम करो। और वो काम करी कर तो मेरे साथ ही लोग जुड़े हैं, अब मेरे सत्संग रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब ये तो हम सत्य करें, हम चलाएंगे और ये उधर से क्या अपना इंस्ट्रूमेंट है क्या है, और वो इंटरनेट पर दे देंगे। तो ये टीम जुड़ी अपना, मैं नहीं कुछ ही कर सकता, मेरे भी क्या दम था जब आया हूँ काम को। कोई पिछले धर्म में कोई करी होगी गुरुआई, ज्ञान कौन दिया होगा? इसलिए अभी 93 साल की उम्र में मेरा कर्जा चुकाने के लिए आ रहे हो, थारा दर्शन कर रहे हो और आपको बात नहीं बता दिया होता मेरा खिलाड़ हो जा। ऐसा करने को नहीं आया मैं, तो न रुपया लेना हूँ मैं, न कोई बड़ा आदमी हूँ, न कोई इज्जत वाला, कोई लंबे चौड़े गाँव का उड़दरी आदमी हूँ। कोई पहले गुरुआई मैंने करी होगी किसी में, मैंने आपको सच्चाई बताई को नहीं होगी, इसे मैं फिर आ गया। अब मेरे को बेटा चुका भी चुका, जब तब नहीं चुके तब मैं चुकाने के लिए आ रहा हूँ। कोई को कहाँ का मिला, कोई कहाँ का आदमी है, कोई कहाँ का पता नहीं, पर कोई लंबा थोड़ा काम करा होगा, मेरे को ये तो याद है नहीं कहाँ करा, क्यों मैं जाता ही नहीं पीछे, पर है मेरा करेडा। मैं तो सत्संग दे रहा हूँ, कोई मेहरबानी करने नहीं आया थारे पर, मेरा कोई कर्म था ऐसे को मैंने बढ़ाना था, थाने सच्चाई बताई ठीक नहीं होगी, तो अब सच्चाई बता रहा हूँ कि सच्चाई ये समझ आई मेरे कि आप इस सरंसर आपके विचारों में बहुत शक्ति है और आप बड़े भाग्यशाली आदमी हो जो अब यह बात मेरी सुन रहे हो। क्यों? कि मैं भी आखिरी टाइम पर मैं सच्चाई बताना चाहूँ। तो आप केंद्रीय सरंसर हैं आप, और जैसे जैसे अब जो सोचोगे नया कर्म बना लो। पहले कहा तो जो सोचे आज तक वो त्रिकाण है, वो तो भोगना पड़े, वो तो अशुभ कर्म जाएगा नहीं, वो अशुभ कर्म का एक तरीका आगे आएगा, वो आगे बताऊँगा सत्संग। इन्हें बता तो दिया था, ये मेरे प्यारे आचार्य आए ना दिल्ली वाले, इन्हें बता दिया था आपको कि अशुभ कर्म का फल जो है वो इसी जगह भुगते हो, क्या करते हो, क्या कुछ बात बता दी आप, मैंने ऐसे समझा कैसे समझे, वो समझे नहीं लोग सैन में कही आए। तो बात क्या है, इस धर्म के कर्म जो है वो तो भोग रहे हो, वो तो पिछले धर्म का करेला है, राजी राजी भोग रहे हो, हाया मत करो, बेफिक्र रहो। एक दूसरी बात, अब नया कर्म बना लो, अगर पहली मकान अच्छा नहीं है तो सोचो मेरा ऐसा मकान हो, मकानों की शौक हो ना कहीं हो, तो सुरक्षित ऐसा मकान बना दूंगा, इसी जिंदगी बना लेगा, इसी में आगे बड़े बड़ा भी मिलेगा, मतलब आपका विचार खाली नहीं जाएगा, जो बीज बाता किसान खाली नहीं जाता, वो जमीन तो से बरसा होते उगेगा वो कोई बहुत टाइम पर आ जाएगा। तो जो बीज आप पाओगे सोचोगे मकान की इच्छा करोगे तो मकान हो जाएगा, लगातार करोगे कोठी ऐसी होनी चाहिए ऐसी कोठी बन जाएगी, धन की इच्छा करोगे तो धन हो जाएगा, देख रहे हो धन वाला हालत, हाँ इच्छा करी धन हो तो इतना हो गया, ज़्यादा मांगा खूब हो जाए, खूब हो जाए, खूब हो गया, लखोण जगह को नहीं मिली, अठाई देख रहे हो अभी आप लखोण जगह को मिले, कोई ले जाए इधर, कोई छुपाओ, कोई पलंग में दोबारा खेल, कोई कोठी में दोबारा क्या, कोई पुलिस, ये क्या तमाशा है, ये उन्होंने धन मांगा था, अति मांग धन धन मांगा और कुछ मांगा नहीं, तो धन मिल गया, इतना मिल गया कि संभाल ले, अब तंग कर दिया उसने, नोट संभाला को नहीं कहा, नोट पकड़ दो पकड़ो, चोर चोर कोई चोर को नहीं, पर लेते ज़्यादा चोर की मतलब जो गलत भी सारी है वो तंग दे, ये ठीक तन खासे व्यापार से आता तो कोई तंग तकलीफ की बात नहीं है, आप यही समझ बात। तो जो सोचते हो वो बढ़ जाएगा, तो ये लोग भोगने का है, आप लोग भोगोगे दुख पाओगे और सत्य में आ जाओगे किसी अनुभव की, तो वो कर्म की दुकान जो आपकी सहज में चुका देगा, सहज में चुका देगा। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म झुकात चुकाए शब्द है भैया, मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, ये शब्द कहेगा इसके लिए, सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे उनकी, कर्म झुकात चुका, जिससे तुम्हारे कर्म की झुकात जो है आसानी से चुक जाएगी और दुखी नहीं होगी। एक दूसरी बात, वो आगे तरीका बता देगा, अब जो कुछ नहीं तो आगे चाहिए वो सेट ले, तो तेरे का तरीका क्या है, तेरे संकल्प में शक्ति है जबरदस्त, हर तेरा संकल्प देख रहे हो पूरा शहर जो है पर मनुष्य संकल्प से बनाया है। राजा जी का काल में देखा अंदर वह गया उधर किसे, तो उन्होंने सोचा राजा जी कहीं किसी देश में गया होगा, और उन्होंने नक्शा वैसे सोचा और वैसे बना दिया, तो चार जुआरी जयपुर गुरु जयपुर ही है, चंडीगढ़ बने बहुत हमने को नहीं, जयपुरपुर को नहीं, जयपुरपुर को तो जयपुर ही है और नहीं बढ़ाया, क्यों राजा जी ने जैसे सोचा वैसे बढ़ा दिया उसने, तो आपकी सोच में शक्ति है जबरदस्त। दूसरा काम ये होता है, तो क्या करो, सोच दो तरह से होगा, एक होगा नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक तो होगा अच्छा जो मन के अनुकूल घटना, अब मैं ये था नहीं ये सब गया और वो इजाज़ तो बना दिया, और एक होगा कि आप चाहो और वो काम हो को नहीं उल्टो है, वो है मन के प्रतिकूल, वो है ईर्षा द्वेष नफरत का विचार, और ये है प्रेम का खुशी का उमंग का सहायता का सेवा का क्षमा का, इससे आपको सुख शांति का कर्म मिल जाए। तो उससे क्या करो, साधारण अपने विचारों को बदल दो, छोटी सी बात है, अगर आज समझ आई तो आज ही कहते हो मैं घटिया स्वप्न को नहीं कर, स्वप्न में कौन सोचूँ, पर बता रखी है बात है, रामायण में सैन में बताया या कुछ बताया, मैं बताया वैसे क्यों, मैं ऐसे बताने के लिए आया हूँ आपको कि सीधी बात बता रहा हूँ गाँव के सब आदमियों को,
मेरे तो सुन रहा है, बस सहन में बता दी ये बात, कर्म की बात पहले बता ली है, भगवान राम बताता नवदा भक्ति बताइए उसको शिवरी को, और आखिर गुरु की भी बात बताइए, आप गुरु गुरु करते ना तो गुरु कौन है कैसे है और क्या करता है गुरु, गुरु क्या करता है, सब ज्ञान दुनिया को गुरु से मिलता है, बिना गुरु के नहीं मिलेगा, कोई आदमी चार आदमी का गुरु आदमी होगा, कोई देवता नहीं हो सकता, कोई मूर्ति नहीं बता सकती, और साथ साथ गुरु क्या करता है वो राम बताता है, तो जान रहे क्या नौता भक्ति नौ तरह की बता कि शिवरी वीरनी को जान रहे क्या नौ भक्ति बताई, वो मैं ज़्यादा तो दोहराऊंगा नहीं, कई सत्ता दोहराई है और कोई सब पढ़ते पढ़ देना समझ लेना, प्रथम भक्ति संतर कर संगा शिवरी को कहता संतों की संग कर, तो संतों की संग तो रहती थी सूधी रहती मम कथा पर संगा मेरी कथा सुना कर, और गुरु पद सेवा तीसरे भक्ति बना को गुरु धारण कर की रुचि सेवा करो, और मम गुणगान कर दी तद कपट अभिमान, अभिमान को छोड़ कर मेरे गुणों का ज्ञान करना, अब मैं बड़ाई कर रहा हूँ परमात्मा की, लेकिन अगर मैं सोचे बहुत अच्छा ज्ञान दिया अभिमान है कुछ नहीं, अरे अगर मेरा कपट है मैंने धामड़ा जाए तो चोखा सत्य कर दूँ चोखा मेरे को चला चला चलाना चाहिए भाई, बिना चलाओ नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, तो वो गलत है, मम गुणगान करी तद कपट अभिमान, कोई तरह का अभिमान और कपट नहीं रख करके बताओ, परमात्मा बहुत बड़ा है उसकी लीला वो जाने वो सब कुछ कर सकता है, ये है वो, और वो कहते हैं पांचवी बताते हैं मंत्र जाप मदड़ विश्वास पंचम भक्ति भजन सो वेद प्रकाशा, ये शिवरी मंत्र जाप मतलब नहीं है मेरे दृढ़ विश्वास में है, मेरे विश्वास में मंत्र है ना, विवेदम लिखा है कि ये मंत्र जपो तो तुम्हारा पेशाब नहीं आता, पेशाब लग जाएगा, ये मंत्र जपो बाहर तो उतर जाएगी, बोला उसमें दम नहीं है विश्वास में है, विश्वास में फलदायक है, और ये सब छठा सियाराम में सब जानी सब में वो ही है परमात्मा, और सातवा कहते यथा लाभ संतोषा, लाभ हो गया तो खुशी हानि होगी तो ना कोई बात नहीं, क्या हो कुड़े उठो थोड़ी देर उठे खड़े उठे को भाई का फूल भाई के मैं खे रहे उठे, इसे से फिर कहते सुप्र नहीं देखे परदोसा मम रसे ही अरसन दीना, ऐसे करके नौता भक्ति बता के जब जान लग गया तब करे, वो सहन में कही आवाज समझे नहीं कोई भी, वो सहन में क्या कहते हैं शिवरी एक बात और सुन भाई, मम दर्श पर परम अनुपा जीव पावी ने सहस्वरूपा, शिवरी जब मैं मनुष्य बन के आता हूँ गुरु बन के तो मेरा रूप अनुप में दर्शन करने के काबिल है, क्यों कि मैं बताऊंगा जीव को कि तू ऐसे ऐसे करके तेरा रूप को पता कर ले, अगर मैं नहीं बताऊं तो उसको कभी पता नहीं चलेगा, वो मरेगा जीवेगा आता रहेगा चौरासी के चक्कर बनेगा, तो क्या कहते हैं मम दर्श पर परम अनुपा, जब मनुष्य रूप में गुरु बन के आता हूँ तो मेरे रूप का ही दर्शन से लाभ है, क्यों है कि मैं बताऊंगा ये तरीका जीव को पता नहीं चलेगा, मम दर्श पर परम अनुपा जीव पावी ने सहस्वरूपा, जीव को अपने स्वरूप का पता तभी चलेगा जब गुरु ज्ञान देगा कि पहले स्थान पर ये आ जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और चोटी पर जाएगा तो मुक्त, ये ज्ञान कोई अनुभवी गुरु देगा आपको, तो ये इसके बगैर नहीं, ये बात तो बताई पर सहन में बताई है, और मैं भी आपको साफ बता रहा हूँ, ये स्थान भी बता रहा हूँ मैं आपके, तो इसका मतलब मैं कराता नहीं हूँ, वो करोगा किसी दूसरे गुरु को, मतलब आप पे आप मत करना, जगह तो मैं बता देता हूँ, जगह में कोई फर्क नहीं आएगा जो बता रहे हो, वो तो क्यों अनुभवी हूँ, पर वो मेरे लाडू में क्या काम देगा वो तो मन दे, अच्छी मैं लाडू खा रहे हूँ फर्ज को तो स्वाद तो मना रहे हो, थाने क्या फायदा है फिर लाडू खाओ तो स्वाद आओगा थाना, तो बात यह है कि वो जो अवस्था वो पहले भी कह दी पर वह सहन में कही गई साफ नहीं, पहले बार ऋषि मुनि जो है वो करते ही वो बहुत कुछ बता गए, पर उस समय के अनुसार साथ वो इसलिए बताई होगी कि हम समझने के काबिल नहीं थे उस वक्त, अब का आदमी समझने काबिल है, जैसे कल वकील पूछा था बोले साबुत करो, बासी खड़ी ने एक अदालत बात, फिर बोले यार आपने लॉ ऑफ लैंड पढ़ी है मेरा भाई, लॉ ऑफ लैंड अलग है, वो पार क्या समझे वो टाइट मारे बिल्कुल, वो कौन सा कहना होता उसका दल साहब वकील का, गांधी जी बोलते हैं, गांधी जी बोलते सरनेम उनका, अच्छा तो वो बिल्कुल से बोल को ये वो तो लाठ है मेरे बात है, कोई कोई दोस्त को नहीं, फिर मैंने कोई दोस्त को नहीं, क्योंकि लाठ ने जो कोई कह दी वो बताती है कि रामायण में लिखा हुआ, बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, रामायण लिख रहा है क्यों लाठ में भी लाठ हूँ, पर ये बात नहीं, बात को सत्य कह रहा हूँ, रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो हिरन पिंगल पड़े तब वो तीन गुण हीन, उठन बैठन बोलना लीन विदाता छीन, कहता हीर का मैंने हीर गुजर दाट जो है अगर पिंगल भाषा भी पढ़ दें तो तीन गुण से हीन है, एक तो उठना को नहीं आवे, एक बैठना नहीं आओगे दब दे कहीं बैठिए से, और एक बोलना को नहीं आवे बोलेगा उल्टा पुटा बोले, तो इसे माफी है उनके लिए कोई बात नहीं, तो बता दिया तो कोई बात नहीं, वकील साहब माफ कर दिया, मैं कह धन है और आपको परमात्मा सदमती दे बता दिया।
बात यह मैं ये कहता हूँ मेरा सत्संग गौर से सुन लो डेढ़ घंटा, तो ये दावा तो नहीं कि मैं खुदा हो गया, कोई चीज़ शायद हो सकता नहीं, तो किसी को प्रश्न नहीं रहता, चाहे वकील हो, चाहे जज हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे शास्त्र जानता हो, अगर मेरा सत्संग गौर से डेढ़ घंटा सुन ले तो उसको प्रश्न नहीं रहना चाहिए, और प्रश्न रहता तो मैं बुद्धू, समझे नहीं बात, क्योंकि मैं बात को बिना मध्य भी था बात कर रहा हूँ, आपको अनुभव बता रहा हूँ, जीवित मुक्त अवस्था में ये बता रहा हूँ, मैं कोई बढ़ाई करने की नहीं कर रहा हूँ, जीते मुक्त हूँ मैं, अगर ये ज्ञान मुझे आखिर रहेगा तो मैं वापस नहीं आऊँगा, और अभी जो कर्जा चुका रहा हूँ आपके सहन नहीं कर रहा हूँ, कोई पीछे जन्म में रहे गुरु रह आऊँगा, ज्ञान आपको सच्चाई बताई नहीं होगी, इसलिए मैं वो बता रहा हूँ कि भाई सच्चाई आप में, आप ईश्वर से, आप में कोई कमी नहीं, आप हैं ईश्वर से, और मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ, यही शरीर बैठा है और मैं इधर ज्ञान छाँट रहा हूँ, समझे ना बात, और बताने के लिए बात यह कि मैं गुराई नहीं करता हूँ, मैं भेद बता रहा हूँ आपको कि गुरु का ध्यान दर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना, किसी मनुष्य को गुरु बना दो जो जिंदा है और जिस पर आपका विश्वास है, तो बड़ा ज्ञानी सच्चा आदमी है, बहुत बड़ी स्त्री है, कई लोग गुरु बनाते हैं, बेटियाँ बना लेती हैं, और वो जो आदमी होता है फिर कम ही नजर आता है, वो फिर भागती है उसे और वो परेशान होती है, क्योंकि वो उसका संस्कार अच्छा नहीं है, उनका मन खुद का साफ नहीं है, अगर साफ होगा तो उनको वही गुरु मिलेगा जो उसका खिलाड़ कर, ऐसे से वैसा गुरु मिले महाराज, तो जिंदे गुरु का ध्यान जिसको समझते हो उसका ध्यान कर लो, उसके गुण भी आ जाएंगे आपके अंदर और साथ साथ आपको ज्ञान भी देगा, साथ ध्यान भी उठ जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे, ये हमारे ब्राह्मणों ने कहा था कि बहुत सी चीज़ चाहे आदमी ने शिव जी का भक्त हो तो ये चाहिए, कहते लक्ष्मी चाहिए, उनको कह लक्ष्मी का करो जी, इसका ध्यान करो, लक्ष्मी की फोटो उड़ा दी, अरे तलवार चाहिए कि मेरी जीत चाहिए शारदा महाराजा ने, तो बता दी कि दुर्गा तलवार दिया खड़ी दोनों हाथों साथ, इनका ध्यान कर लिया करो, समझे ना, अलग अलग मतलब अलग अलग तरीके से बहुत देवता बढ़ाए, पांच चार तो बनाए, फिर मैं सोचा ही तो बहुत सी चीज़ चाहिए, लड़की शादी करने जाता तभी उसको कुछ चाहिए, सीधी चाहिए, हर चीज़ में सीधी मांगे, तो फिर उसको कहा अगर तू ऐसे करो किसी जीवते जागते महापुरुष को गुरु बना लो, इस परमात्मा बना लो और तुम्हारा काम हो जाएगा, वो उस वक्त के आदमी ठीक थे, अब आदमी पढ़े लिखे आगे अब ज़्यादा, अब वो कमी देखते हैं, लेकिन उसका वो गुण नहीं देखते कि परमात्मा आप ही शरण से, अब कमला अब तक सत्संग देती है, कहती है तुम किसी को मान लो तुम खुद बोड़ी माननी को नहीं, आज का आदमी को नहीं मान सके, जब तक विश्वास नहीं तो ये कर तुम विश्वास वैसे कर लो, तुम एक को बढ़ा लो तो आसानी हो जाएगी, वो किसको बढ़ा लो आपकी मर्जी है, आप समझे नहीं बात, तो उसका बढ़ा करके जो अनुभवी आदमी बढ़ाओ तो उससे आपको ज्ञान मिलेगा, मिलेगा कैसे, आपका अच्छा कर्म होगा तो अच्छा विचार है तो अच्छा मिल जाएगा, आप ठग हैं तो ठग ही मिलेगा गुरु, आप कम ही तो कम ही मिलेगा, आप लोभी तो लोभी ही होगा, मतलब ये कि आपका मन साफ हो और फिर मांगोगे से मिल जाएगा, तो इस लोक में सुखी रहना है तो पिछले कर्म चुकाने के लिए, ये कर्जे का लोक है, सदा का लोक नहीं है, और हवा निकली सब उड़े रह जाओ, अगर यह बात पता हो जाए मन तो पता नहीं कभी लाइफ जा सकती है, लाइफ इज अनसर्टेन, दिन यह अनिश्चित है, आज सुबह 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 टेबल नहीं उठा तो फिर आदमी उल्फेर नहीं करेगा, इसको भूल जाता है, एक तो रे विचार को भूल जाता है, मैं क्या सोच रहा हूँ, एक कमी बता रहा हूँ आदमी को, ज्ञान इन बातों का ज्ञान है और सब आदमियों का है, तो ये जो धर्म है मेरा एक जाति के एक पंथ के लिए नहीं है, ये राधा स्वामी राज स्वामी कह देता हूँ बात, उनकी वाणी लिखी हुई है, उनकी वाणी में धोते थे मेरे जिसे राधा स्वामी से हरिय समाजी, ईसाई सनातनी, ईसाई मुसलमान, ईसाई ईसाई सब बराबर, क्यों मनुष्य मात्र के लिए, पूरी दुनिया के जो मनुष्य सोचते वैसे होता है और उनको ज्ञान नहीं, और किसको मानते हैं वो उनकी मान्यता है कि वो सच्चाई नहीं है, विश्वव्यापी सत्य नहीं, विश्वव्यापी सत्य मनुष्य में वो चीज़ है, विश्वव्यापी सत्य वो आप में है, किसी देवी देवता में नहीं है, किसी मूर्ति में नहीं है, किसी गुरु में नहीं, आप में है, आप वही तो हैं ईश्वर से, आप पता नहीं आपको, ये जो ज्ञान है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और जो अब आप मानते हो राम को तो वो आपके लिए ठीक है, आपका काम हो जाएगा, आप देवी को मानते ठीक है, अगर अल्लाह उसको मानते हो मोहम्मद को तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना, वैसे बता तो उन्होंने भी रखा है पर करते नहीं, वो कहते खुदा के पास होने का यकीन मुस्कर से आता है, वगरना खुदा ही पास है कैसे, अब देखो बात क्या कहते हैं कि परमात्मा को पास होने का यकीन नहीं आता आदमी को, अगर वो पास है तो क्या को डरे, रात ने क्या को डरे, बेटियां ने क्या को डरे, कभी कोई ओपरो की को ओपरो सारे कहा नहीं देखता है, पीछे पढ़े खड़ी सी फिर समझो वो भाया कि भाया कि क्यों कहीं तुम थर्मन अगर साफ है तो सारी थर्मन पर ही ढोड़की भूत बढ़ाए रखो, तो कोई आदमी खराब नहीं करे, कोई आदमी आजकल ये हो रहा आजकल ये हो रहा भैमो डालते जा रहे, कौन डाल सकता है आपको, आप ही सुरंश से शेर है आप तो गिदड़ बने फिर वैसे ही खाऊंगा, बेटी डरती नहीं खुला नहीं क्या करेगा आदमी, कुछ नहीं करेगा, वो तो आपका डर है, आप डरते हो,
फल तो नहीं डरता वो, ठीक है सर। तो वो कहे ब्रह्मचारी एक शक्ति, आप डरोगे ब्रह्मचारी की शक्ति जो खर्ब ज़्यादा खर्च कर देते हैं उसके बाद डर भय वगैरह करते हैं, कमजोरी आ जाती है। इसका ज्ञान इस ब्रह्मचार्य का सबको ज्ञान है। जब बाल बच्चा हो गया एक तो उसके बाद भी किसका पति इतने प्यार से रहे और अन्न देखना तो वो यहाँ ध्यान कर ली, ध्यान करें समित्र का प्रकाश आ जाएगा। अगर 10 मिनट सुबह इस प्रकाश को देख के जाओगे शेर की तरह होगा, वकील होगा तो अलग, जैसे कोई भाषण कर रहा है वो बहस हो रही है एक बात पकड़ेगा, एक बात पकड़ेगा हाँ जी लिखो जी ये ऐसे करे, अब वो लगा देगा उसके पूरा केस खत्म। किसी तरफ करे मेरे सत्संग सुन के को थोड़ा ध्यान को करेगा तो जिस दिन वो व्यापारी होगा तो व्यापारी वो करोड़ों अरबों पति बनेगा, तरीका बता दू तेरे विचार में शक्ति है। आदमी वो सोचेगा वही चीज हो जाएगी, ऐसे सोचेगा जैसे मौका होगा प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसके विचार में शक्ति है, ये थोड़ा गवर्नमेंट नौकरी छोड़े है, ये इंजीनियर साहब जो है ना मेरे प्यारे आचार्य ये नौकरी छोड़े है इंजीनियर की और छोड़ के अपना प्राइवेट काम करना गया। अब वो वैसे विचार है इसका इकट्ठा करता है अपना बारे द्वारा कर अच्छी व्यापार अपना कर लिया और साथ साथ काम कर लिया, समझे ना। तो आदमी आपके अंदर शक्ति है, आपको इसका ज्ञान नहीं है, आपके सोच में शक्ति है, सोच का ज्ञान नहीं है। नाराज होते हो बुरा सोचते हो घर में कड़े करते हो पर घर में नरक बना रखा है जी, और आते हो सगला घर का खुश हो तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं। तो आपको खुश रहना है, नाराज जी को निकाल देना है, रवाना कर दो ईर्षा द्वेष को, रवाना कर दो। अगर ईर्षा द्वेष किसी को मेरा चार्य सुन लो ईर्षा द्वेष निकाल दोगा उस दिन तो आप खड़े होने के काबिल हो पर मुँह दिखाने के काबिल नहीं। इधर क्यों काबिल नहीं कि बीच में तो खोट भी रपड़ा है और आगे भाषण दे रहा था, तो क्या आपके भाषण में मेरी सुन लो, मैं आप ही बताता हूँ बिना आप अपने मन में उठा ले बड़ा आदमी बात है ऐसा कर रहे हो। मैं भर्ती अफसर पर की द्वारा गया सेना की नौकरी के लिए पेंशन लिया और मेरे को जलंधर भेज दिया रिक्रूटिंग अफसर, और बड़ी ज़बरदस्त भर्ती हो रही, काफ़ी भर्ती करी। तो तीन आदमी होते एक कर्नल और दो कैप्टन, तो नए कर्नल दूसरा नए कैप्टन, मैं इकला था। तो मैं गौर से सुनना, मैं ज्ञान देना चाहता हूँ आपको। तो मैं वहाँ पर काम जाके ज्वाइन करी ड्यूटी, दो चार दिन एक डॉक्टर के घर में रहता था। तो वहाँ पर कुछ सिखाए पान दस आए कि मेरे को लगे जाओ कितने बड़े से ऊपर है ऊपर चले गए, आओ साहब बैठे बिरा दो मेरे पास कम सी कुछ सिखाए से मौके दिया बैठे बोलो। बोले ऐसे है कि जो भर्ती अफसर आता है वो हमारे से कांटेक्ट रखता है और जो भर्ती करने के लिए हम देते हैं लड़के अच्छे पढ़े एम ए हो चाहे बी ए, बी एड होगा अच्छा नंबर होगा, पूरी सेहत का पूरी हेड का ले लो, लेकिन हमारा ले आदमी लोगे दूसरा नहीं लोगे। आप किसी को ओबलाइज करना है काम करना दो चार वैकेंसी रख लो बाकी सब हमको दे दो। आपको 40-50 वैकेंसी आई है पता नहीं 27-40 है ये इतनी आई है इसमें 10 तो आप अपने दोस्तों को किसी को ओबलाइज कर देना अपने को और बाकी सब हमारे को देना किसी और को नहीं देना। वो एजेंट थे इसका भर्ती कराने में पैसे खाते थे बीच में। तो सुन की बात में कहने गया सरदारों मैं तो भर्ती करता नहीं इस तरह से पैसे लेता नहीं हूँ माफ़ करना मेरे को। बोले सब देते हैं कोई डर बता वैसे नहीं आदमी पैसा है साहब नहीं पहले दे देंगे डॉक्टर साहब खुद से आ जाएंगे डॉक्टर साहब आपको दे देंगे पैसे आपको लेने की जरूरत नहीं है नहीं पर आदमी हमारे होंगे और पैसे की बात आपको रही है। मैं फिर बोला देखो माफ़ करना मैं कर नहीं सकता मैं कर नहीं बोले क्या पंडित की संगत कर ली पंडित जी बोला पैसे लेगा नरक में जागा ये होगा वो होगा। बोले जी तुम कितने गल्ला कर दे पे पंडित आए तेने गल्ला कर दे चंगे मुंडे दे देंगे तुम कर ले भर्ती। मैं कह सकता मैं नहीं कर सकता माफ़ कर कलेगा मत मेरे को था आपका अगर कोई भाई बेटा तो लिया अगर रोने के काबिल तो बकर दूंगा बाकी बकरूंगा और बढ़ती काफ़ी और मांग के लिए काफ़ी। तो कई देर तो मुझे खैर फिर देखे आदमी फिर बोले मेरे को इस विषय पर कहोगे नहीं आप बिल्कुल अगर आपका भाई बेटा कोई पर्सनल दूसरे का नहीं है आपका मेरा बेटा भाई है दिया मैं आपको मदद कर दूंगा जो होगा मदद का मतलब मेरे काबिल होंगे और बाकी ये नहीं कि गलत कर दूंगा पैसे नहीं लूँगा ऐसे कर दूँगा चले गए। वो जाए सरदार को कहने लगे रहते कैप्टन तो डर गया भैया है ये तो डरता है कोई देखा जासूसी डर गया है तो इसे पटाख गल कर। तो सरदार जी आया मेरे पास बूढ़ा था तो वो डॉक्टर था उस तो अंग्रेजों के ज़माने में लोग मिलिट्री में आया करते थे वो देश के सुबदार जमदार डॉक्टर होते थे अंग्रेज डॉक्टर कोई कम ही होता था। तो वो आके मैं सरदार जी कहने लगे बोले ऐसे करो कैप्टन साहब तो सीधे काम करो वो अपने आदमी हैं तुम फिक्र मत करो मेरे से पैसे लड़ो उनसे लड़े नहीं वो पक्के आदमी हैं हमेशा भर्ती अफसर वो देते हैं वो बात कर लेते हैं बिहार के आदमी ठीक व्यवहार होगा बिहारी आदमी मैं जो आता हूँ तो उसी उन्होंने मैं कहा मैं भैया करूँगा डॉक्टर साहब मैं तो नहीं कर सकता इसे मेरे द्वारा बात नहीं करता मैं बिल्कुल से मजबूर हूँ इस चीज़ से। वो कहा क्या मैं पंडित की संगत कर दी वो कहा तू नरक में जाएगा खोटा काम करेगा तनख्वाह मिली है पैसे लेकर
ਉਹ ਬੜੇ ਤੁਸੀਬਾ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦਮੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੜਕੇ ਲੈ ਲਓ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿਓ ਗਲਤ ਲੜਕਾ ਮਤ ਕਰੋ ਕਰੇਗਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋ ਟਾਲ ਕਰ ਤੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਆਦਮੀ ਅੱਛਾ ਹੋਗਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੇ ਪਾਸ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਪੰਜ ਦਸ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਤ ਉਹ ਕੱਲ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦਿਓਗੇ ਸੰਗਤ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿਓਗੇ ਬਤਾਓਗੇ ਮੁੱਖ ਕਿਸੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਤਸੰਗ ਦੇਣੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਤ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਸੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਣ ਹੋਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਸੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰਤਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਕਰ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਰਿੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਮੰਨਣੀ ਪੜੇਗੀ ਇਸ ਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣੋ ਬਈ ਸਰ ਸੰਗਤ ਕੋ ਸਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਿਆ ਸਭ ਕੋ ਔਰ ਕਰੀ ਸਿੱਖ ਥੇ ਰਹੋ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਸ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰੀ ਬਈ ਵਿਦਿਆ ਕੋ ਸਿੱਧਾ ਆਣੇ ਕੇ ਕਾਬਲ ਤੋ ਮੈਂ ਥਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਕੋ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣੇ ਕੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਸਤਸੰਗ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਮਝਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਣਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਸੱਚਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਗੇ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸੁਣ ਲਓ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਥਾ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਣਾਤਾ ਹੂੰ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤਾ ਮੈਂ ਬੜ ਨੇਤਾ ਕਿਤੇ ਔਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਥਾ ਤੋ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖਿਆ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਮੈਂ ਖਾ ਲੇਤਾ ਹੂੰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈ ਤੋ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋਟਲ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋਟਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਮੈਂ ਚਟੋਰਾ ਹੂੰ ਅੱਛੀ ਅਫਸਰ ਆਇਆ ਹੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਿਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਪਲੇਟ ਪਲੇਟ ਲਿਆ ਕਿਸ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਇਹ ਲਿਆ ਕੁਆਟਰ ਪਲੇਟ ਲਿਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੁਆਟਰ ਬੋਲੀ ਦੂੰਗਾ ਕੁਆਟਰ ਇਹ ਪੰਜ ਚਾਰ ਮੰਗਾ ਲਈ ਮਗਰ ਪੈਸੇ ਫਿਕਸ ਥੇ ਔਰ ਜੋ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਫੁਲਕੇ ਕਿਤਨੇ ਖਾਏ ਉਸਕੇ ਲਈ ਉਹ ਅੱਛੇ ਪੁੱਛਦੇ ਥੇ ਤੋ ਜੇ ਮੈਨੇ ਚਾਰ ਖਾਏ ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾ ਦਿਆ ਤੀਨ ਔਰ ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ ਕਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਸੇ ਔਰ ਉਹ ਕਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਸਕਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸ ਇੱਕ ਫੁਲਕੇ ਖਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੁਲਕੇ ਖਾਤਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੋਚ ਤੋਂ ਮੁਝੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਮੁਝੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਅਫਸਰ ਉਹ ਅਫਸਰ ਇਹ ਭੁੱਲਤਾ ਇਤਨੀ ਬਾਤ ਖਾਏ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਇਸਕੋ ਰੋਟੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਖਾਈ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ ਦੀਏ ਕੋ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੋ ਕਮ ਦਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੁਲਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੂੰ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਸੱਤ ਜਣੇ ਕੇ ਕਾਬਲ ਹੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਨਿਕਮਾ ਆਦਮੀ ਹੂੰ ਇੱਕ ਫੁਲਕੇ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭਈਆ ਮੈਂ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਥਾ ਆਪਕੋ ਬਤਾਓ ਬਾਤ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੋ ਜਬ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਗਾ ਕਿਆ ਦੇਗਾ ਵੋ ਕਿਆ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਮੈਂ ਜੋ ਬਾਤ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋਗਾ ਵੋ ਤੋ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਜਿਸਕਾ ਮਨ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਝੂਠ ਕਪਟ ਸੇ ਅਲਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਧੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਲੈਤਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਕੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਤਾ ਹੈ ਇਸ਼ਕਾ ਰੂਪ ਆਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਤਾ ਹੈ ਬਿਲਪਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਵੋ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇਗਾ ਉਸਕਾ ਰਿਜਿਸ ਕਾ ਫਰਕ ਪੜੇਗਾ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਫਰਕ ਪੜੇਗਾ ਔਰ ਉਸਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਈ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਆਪਣਾ ਆਈ ਕੇ ਸਮਝ ਬਾਤ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਆਪਕੀ ਇੱਛਾ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਵਰਨ ਸਰ ਆਪਕੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੋ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸੌਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਆਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤੋ ਬੁਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 93 ਸਾਲ ਤੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇਖਣੇ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਆਪ ਮੈਂ ਇਤਲਾਹ ਸੁਣਾ ਹੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਤੋ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੂੰ ਔਰ ਆਪਕੋ ਬਤਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਕੰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਮਦਦ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਬੁੱਕੇ ਦਵਾ ਦੂੰਗਾ ਬਤਾ ਦੂੰਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁਲਾਓਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗਾ ਕਰ ਦੂੰ ਪਰ ਕੰਮ ਆਪ ਤੋ ਅੱਜ ਕਾ ਸਤਸੰਗ ਥਾ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਕੇ ਲਈ ਹਮ ਆਏ ਚੁਕਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਆਏ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਈ ਭਾਈ ਬਣ ਗਿਆ ਦੁਖੀ ਮਤ ਹੋ ਅਗਰ ਬੇਟੀਆਂ ਪਤੀ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਉਲਟੀ ਪੁਲਟੀ ਬਾਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆ ਦੋ ਚਾਰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸੁਣ ਕੇ ਰੱਖੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਬੜਾ ਸੁਰਫ ਲਾਗੋ ਔਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪਰ ਜਬ ਇੱਕ ਲਾਵਾ ਬਤਾ ਦੇ ਰੋ ਭਲਾ ਆਦਮੀ ਬੇਟੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਬੇਟਾ ਸੁਣਾ ਆਹ ਬਾਤ ਕਹੋ ਜੀ ਬੇਟਾ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਦੇਖੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹਮ ਬੋਲਣ ਫਰਕ ਤੋਂ ਵਾਜਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਤੇ ਆਪ ਦਿਓ ਕਹਿ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਜਬ ਕਰੋ ਅਰ ਜੇ ਗੁੰਟ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਦਿਓ ਕੀ ਫਰਕ ਪੜੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਚੋ ਅਲੋ ਅਭੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਤੇ ਹਨ ਸਾਈਏ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਬਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ ਆਪਕੋ ਹੂੰਗਾ 100% ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋਤੇ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਆਦਮੀ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਤਾ ਆਦਮੀ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗ੍ਰਸਤ ਭੋਗਣੇ ਸੇ ਵਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾਤੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਵਿਚਾਰ ਸੇ ਕਰੋਗੇ ਮਨ ਸੇ ਔਰ ਬਚਨ ਸਰੀਰ ਸੇ ਤੋ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾਤੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਕਲਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਦਮੀ ਕੋ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣੀ ਫੈਲਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚਣੀ ਦੋ ਗੁੰਟ ਲਗਾ ਲੇਤਾ ਇੱਕ ਦੋ
अब वो जितनी देर के लगाता है इतनी देर वो उसका नशा रहता है, रोटी खाता है, नींद आ जाती है, यानी बेचैनी होती है। वो ज़्यादा कामुकता भोगने से, ब्रह्मचारी निकलने से बेचैनी आती है हर आदमी को, सबको। और वो बेचैनी आने से क्या होता है कि वो नशा सीख जाता है और फिर वो नशा चढ़ता जाता है, ज़्यादा ज़्यादा जून देता जाएगा होता जाएगा, अंदर का फेफड़ा कर जाते हैं। तो नशा इसलिए करते हैं आदमी, कामुकता छोड़ दो बिल्कुल से, बिना कामुकता बिना मतलब के नहीं, तो भाई तो कामुकता हो गया ठीक है, संतान उत्पत्ति के फिर मत भोगो, कोई बेचैनी नहीं आएगी, कोई नशा की तरफ ही नहीं देखोगा, ध्यान नहीं करोगे, बकवास कुछ कमजोरी से भोगते हैं, या कमजोरी है। और गुस्सा भी इस बात का आता है, कड़े भी घर में इसी बात से होती है कि वो जो कामुकता ज़्यादा भोगने से चिरचिरा स्वभाव जाता है, गुस्सा आने लग जाता है, उठपटांग बोलने लग जाते हैं, बात कड़ी मानता नहीं आदमी, और सपना आते हैं बुरा बुरा और बुरा बुरा विचार आते हैं ज़्यादातर। और भी कारण है इसका गुस्से का, वो बात अलग है। तो अब मेरी नज़र जो आई, मेरे समझ में ये आई है कि कामुकता मरने के लिए नहीं है, संतान उत्पत्ति के लिए। अगर आप इसके लिए करते हो और फिर ध्यान करना चाहते हो सकती, तो आपके अंदर इधर का वो चीज़ बता देता हूँ आपको। मेरे को वो बात जो असली बात थी जिसके लिए सत्संग करते हैं, वो पूछने के लिए नहीं आए थे। एक तो ये बात है जिससे कि पुराने कर्म का बात थी, आज यह बताइए मैंने। दूसरी बात ये है इसके लिए कि आदमी सदा के लिए अमर हो सकता है अगर चाहे तो। ये थोड़ा छोड़ के जहाँ से आया सदा के लिए उसमें चला जाएगा, जिससे आए हैं ना परमात्मा से। कहाँ परमात्मा, ये तो आम सूर्य तारा तो दिखो ही, आप देखती हो और सूर्य दिखते हो, इससे परे एक शक्ति है, उसके परे एक शक्ति है जिससे कुछ नहीं होता, सिर्फ उसे तो शब्द निकलता है, धार देकर शब्द आता है, और उस शब्द से आगे चल के रेडिएशन से चांद सूर्य तारा लोक लोकांतर बन जाते हैं, फिर दूसरा कुछ और धार निकलती है उसे और बन जाता है। उसी से मनुष्य की जो सूरत है वो निकल के आती है, और वो नीचे आती आती ग्रेविटेशन के वजह इस लोक पर आने के बाद फिर वो लोक धारण कर, शरीर धारण कर लेता है, और उसके बाद उसके विचारों से कर्म शुरू हो जाता है। तो ये परमात्मा खेलने के लिए आता है, असली परमात्मा ही खेल रहा है आपके अंदर सब में, वो काम करने के लिए आता है। और वो कैसे अपना अपना खेल है, इसी तरह से ऊपर भी खेल है, जो हंस हैं सतलोक में वहाँ पर खेल है, पर उन खेलों में जाएगा वो आगे चलेगा नहीं, जाएगा नहीं, वो खेल में रहेगी तो आनंद आ जाएगा। वहाँ पर कहते ऊपर सतलोक, कहते सतलोक एक लोक सुहाना, हंस करें जहाँ परमानंदा, कहते वो इसके लिए 688 लोग वहाँ पर ऐसे, और रोज रोज की नई नई केला करते हैं, ये करते हैं वो करते, ऐसे उत्पत्ति पर ले बताए सब दिया मैंने ये 17वीं किताब में। तो नीचे व्याख्या लिखी थी, लिखने के बाद कमला बोलिए तो मैं तो कुछ समझ नहीं करता, मैं काट दी वो तो जो मैं बता दूंगा तो उसको जरूरत नहीं है, चलो रास्ता चलेंगे तो अपना रास्ता खुलता जाएगा। सब शक्ति आपके अंदर, सब शक्ति है, और सदा के लिए अमर हो सकते हो। और उस अमर होने का ये कैसे, हर एक आदमी प्रमाण चाहता है कैसे, मैं बैठे हूँ यहाँ पर आपके साथ, जब मैं साल पर रहता हूँ ये अवस्था, तो मुझे कोई तरह का न मौत का डर है, न कोई फिक्र नहीं, कोई पका नहीं, कोई भय नहीं, कोई बात नहीं। और जब मैं इस अवस्था से नीचे गिर जाता हूँ किसी कारण से, मन के मंडल पर आ जाता हूँ, सोचने की क्या क्या हुई, तो वो थोड़ी देर के भूल जाता हूँ उसको, और वो भूलने की हालत में मैं बैठ बन जाता हूँ। ये कभी कभी उधर आ जाता, फिर सो उठता वहाँ पे, वो ज़्यादा यत्न नहीं करना पड़ा, मैंने राम राम जब की जरूरत थी मैं डायरेक्ट जम पर हूँ, पहले इधर टिका हुआ, पहले दिन ही पंडित भगत की सत्संग से, और उसके बाद जो थोड़ा सा सफर था ये कोई 1962 में पूरा हुआ, मैं लाल किले बैठा था वहाँ पर घटना घटी, मैं वापस गया पंडित जी पास, ऐसे ऐसे होया, वो कहने की अभी आप इस अवस्था में चले गए हो और अभी आपके ये मुक्त अवस्था है, जीते मुक्त है, तो आप ऐसे करो कि सब लीला जो है सब उसकी है, यानी आपकी नज़र ये रहनी चाहिए कि सब कुछ वो करने वाला है, कोई आदमी कुछ करने वाला नहीं, उसकी लीला वही जानता है। तो इस लीला को देखते रहो, और ये नहीं समझो कि वो आदमी ये करता है, आदमी परमात्मा ही खेल जाए समझ, और अपना काम कर जाओ, नौकरी खेल जाओ, और ज्ञान धारण जगह हो तो बता देना, और बाद में फिर मेरे को ये बात बताने के लिए कहीं, अगर सच्चाई बता देना वो सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। तो आज के सत्संग में क्या हुआ, क्या बताया, एक तो ये बताया कि ये लोग जो है कर्जे का है, कोई आपका प्यारा नहीं है, कोई बेटा भाई, तो चार दिन की जब तक है तब तक है ड्रामा है उसका, जिसे पूरा होगा वो चले जाएगा। फिर रोने की बात है, भाई बेटी आती थी काल परसों, कोई आई दुखी हो रही थी, आदमी चलता रहा जवान, मैं बोले बेटा ऐसे करना, मैं 10 सत्संग दूंगा बेटी, मेरे सत्संग सुन लेना, मेरे को देखती रहना, और तेरा दुख दूर हो जाएगा, तेरे को तकलीफ नहीं रहेगी, तू ये परेशान नहीं होंगी, वो ठीक है। वो पहले दिन में आया तो आई मेरे पास, और अभी वो आना चाहिए उसके बाद आई नहीं, पता थी चला कि वो अभी वापस चली गई, आपने कोई काम मार लेगी, जब शुभ कर्म नहीं तो आ नहीं सकता। मैंने सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई,
अच्छा कर्म नहीं सुलभ नहीं होगा, इधर से निकल जाए सुनेगा नहीं बाबा। अभी उदाहरण बता रहे हो, अभी काल प्रसुभा बहुत दुखी थी। जीवते जागते आदमी से क्या मिलेगा? आपको ज्ञान मिलेगा। मैं वो ज्ञान देने के लिए आया हूँ ये, और वो कैसे होगा? या तो मेरी बात सुन जाओ, मैं जो कहता हूँ बात को यकीन कर लो। यकीन करना खड़ा का कर दिए आदमी होने कमी ये रखोगा, तो आप करके देख लो। अगर करके देखते हो तो क्या करना, मामूली बात कुछ नहीं, ज़्यादा ताकती बात नहीं है। आपको ये क्या करें? अच्छा तो आपको नींद आओ उसकी कितना जोर लगाओ, आप कितना जब सुमन जान करो हो, नींद आवे गहरी नींद रात को कितना सुमन जान करते हो, बात समझेगा नहीं? जब गहरी नींद आवे तो कोई यत्न करोगे शायद में सब देगी, और वहाँ चले जाते हो आप जिसके से आए हो। इधर आपको तकलीफ थी सब भूल गए, पैर दर्द कर रहा था, परेशान थे, ऑपरेशन बुढ़िया सब कुछ चले गए वहाँ। या ब्याह शादी है तो समस्या, या कैसे करेंगे साहब, या कैसे करेंगे, ये कैसे करूँगा, समस्या सब समस्या खत्म वहाँ चले गए। और सुबह के टाइम पर आए और आते बहुत वो पापड़ बेलना कोई काम का, थक गए थे, थक कर के छोड़ दिया काम, एक मजदूर है दो तीन मंजिल पर ईंट ले जा रहा है, धोता सो थक गया शरीर, और थक करके वो शाम के टाइम पर खाना खा के सो गया, सर सोता रहा। और सो कर उठा सुबह कान झड़का के भाई टोकरी वही ऊपर वही ईंट ले जा रहा है। तो रात ने बट टॉनिक पिया था कोई, या कोई ताकत की चीज खाई थी, ये बटे से लगो वहाँ से ले आयो। ये तो प्राकृतिक समाधि शक्ति, हालांकि ये बताई नहीं है माता ने से नींद वाली बात है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये और मेरे उदाहरण है कि भाई नींद में मरो तो बाबू साहब आ रहा था आदमी प्रूव, तो मैं प्रूव करता हूँ उस काम में कोई ज़्यादा देर नहीं है, तो ज्ञान को देर मेरे में लिख रहा क्या कि 15-20 मिनट लिख रहा थी मेरे लिए किताब में, वो सबसे सबसे 15-20 होगी। अब मुझे ये कहा था भाई 5-4 मिनट लगी, मैंने पता नहीं घड़ी तो थी नहीं मेरे पास, पंडित जी के पास बैठा और बैठे चलने गया सीधा, पहले कोई तकलीफ नहीं हुई। पहले एक दिन दर्शन करने से ये बात लिख तो रखे गुरु नानक देव लिखे थे, नानक नजरी नजर निहाल, ऐसा कोई देर नहीं लगने की, नजर मिली निहाल हो गए। तो उस ज्ञान में कोई देर नहीं आपको लगने की, सिर्फ जो ये बात सत्संग सुन के और ये बात मन का मैल जो अंतरास बोल के, और चिंता फिर छोड़ो, इसकी चिंता जो होना होगा जो परमात्मा यत्न करो, और फिर जो हजार दिन पॉजिटिव मान लो। फर्ज को बस लेने की दाड़ा 3 बजे बस जाए, 3 बजे थे 2 मिनट के बाद बाल सुनते हाँ हाँ बस चलेगी बस चलेगी, तो उसे ये समझो कोई बात नहीं, बस चलेगी मेरे भले में रही शायद भी बस में जाता चलिए हो, नेगेटिव से पॉजिटिव बना लो। अरे रेत में से शक्कर निकाल लो, नेगेटिव पॉइंट को छोड़िए पॉजिटिव बना लो, काम बनाने वाले हैं। अगर मेरी बात आपको याद आ जाए कि कोई काम हो गया जो करते थे वो काम नहीं होया, समझो इसमें कोई भलाई है बस यार, अरे बहुत भलाई होती रहेगी आप लोगों को ज्ञान नहीं इस बात का। तो एक गुर है आपको खुशी रहने का कि जो कुछ करी सो भला, जो परमात्मा करता भला, जो हो रहा भला हो रहा, अब जो कुछ है देश में भलाई के लिए हो रहा, इसका भेद सबको पता है। तो ये विचार रखा आइए सुन, तो मैंने आज आपको सत्संग दिया है इसके बारे में, इस लोक का, कि ये कर्जे का लोक है और इसमें जितने आदमी आपके पास आए हैं सब लेने देने के लिए आए हैं, तो नाराज़ हो ना, नाराज़ मत हो ना, राजी राजी बात करो, खूब खुशी खुशी जो हाय हाय करके बोलो राजी राजी। अरे कोई ले गया तो कोई बात नहीं, हंस पड़ो पर कोई बात नहीं, मेरी चीज़ तो गई पर कोई बात करी कोई कोई ले गया होगा साथ दिखिए, और सनबेरा जो है चोर है पकड़े पी चोर की चर्चा करोगे तो फिर चोर बन होगा, खुद वो कर मिल जाएगा, छोड़ दो जान दो, बेईमानी बेईमानी करे आपको इसको करेगा, वो कारण है उसकी बीमारी है या, और वो मेटने का तरीका ज्ञान है और कुछ दिखा। तो बेटियों सब कुछ आपके अंदर है, रिद्धि सिद्धि का भंडार हो आप, आपके विचारों में शक्ति है बहुत बड़ी, विचार सुंदर कर लो, घरों को स्वर्ग बना लो, स्वर्ग वाणी सुख नरक वाणी दुख, जब आप रुसेड़ा बैठा हो चिंता में बैठा हो तो नरक में हो, और जब आप उमंग हो आपको मन गीत गाने करे भजन गाने के लिए करे खुशी है तो इसके बस स्वर्ग में हो, खुशी हो उमंग है तो स्वर्ग में, और जब दुखी हो चिंता में हो डरपो डर है और है कल है तो नरक में, तो नरक मत बनाओ घर को स्वर्ग बना लो, खुश रहो सरला, और सब घर खुशी है ना तो घर में कमी को रहने, वो गोस्वामी तुलसीदास रामायण में से देखिए, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नादा, जिस घर में संपत्ति है प्रेम है उसके अंदर तरह से संपत्ति गाड़ी घोड़ा मकान दुकान हाट वाली सब कुछ होगा, और जिस घर जमा रुस्सा मनी है चाहे मैडम रुस है चाहे बिन्नी रुस है चाहे भाई रुस है चाहे बेटी रुस है, मतलब कोई भी रुस्ता बुरा सोचेगा या नाराज आदमी बुरा सोचेगा, तो आप लोग भाई लोग भी सोचते हो जब जाते हो तो आपके ऊपर इंप्रेशन होता है बाजार का, जिनको देखते हो उनकी रेडिएशन उनकी आत्मा आती है आत्मा जाती है,
सब आदमी से मिलते हो ना, तो घर में आते हो, वो गुस्सा आते हो, वो गुस्सा जाते हो, क्या करो, थोड़ा ठीक हो जाओ। क्या बेटिया सोच रहे हैं, सोचोगे वही हो। एज यू नथिंग गुड नथिंग बैड, एज यू थिंक सो इट इज, न कुछ बुरा है न कुछ भला है, जैसे आप सोचते वैसे हो जाता है। बुरा सोचोगा बुरा हो जाएगा, भला सोचो बुरा हो जाएगा। तो आज का सत्संग पहले तो अनुभव दे दिया आपको, दूसरा जीवन मुक्त दे रहा हूँ, तो उसका साधन ये है। पहले स्थान पर साधन करोगा, किसी मेरे ये करना नहीं मर्जी से, किसी जानकार से पूछ लेना, गुरु बना लेना कोई, गुरु का क्या मतलब, किसी जीवते पुरुष को बना लेना और उसका रूप प्रेम से, तो समझ थे गुरु भगत, गुरु का दान मिल गया। गुरु का दान कर प्यारे बिना इसके नहीं छुटना, ये पहला स्थान है। और दूसरा इसका तरीका और भी है, कई तरीका और भी है। कर्म योग, काम के दिन मत लगा दो, काम में जब जाओ ना दुकान में जाओ तो घर में जाओ सब दुकान में, शुभ लाभ शुभ लाभ। और कोई काम पर जाओ तो काम ईमानदारी से करो, डांडी मार मत करो, जो आज कल नौकर करे सारा मजदूर वो काम नहीं करना चाहते छोड़ दो, ये पोचा देते हैं आकर तो रखते नौकरानी, वो तो देखे तो छोड़ देते नहीं खोल दी, बाकी कोई कमाई फायदा को नहीं हो, क्यों चोरी कर पाई हो, चोरी क्यों करो चोरी, भैया अपनी तसली से काम करो तो वो हमेशा कोई कमी रहेगी उसको काम। कर्मयोगी कहते गीता बताया, कर्मयोग भक्ति योग ज्ञान योग, मैं ज्ञान योग दे रहा हूँ आपको, सीधा प्रमोशन वाली बात कर रहा हूँ। क्या तो आप सदा के लिए अमर हो जाए, और वो अमर होने का तरीका इधर से पहला ध्यान करो, आपको दुनिया की चीज़ मिल जाएगी। इधर ध्यान बढ़ने का तरीका, यहाँ जब ध्यान बढ़ जाएगा आपको शरीर को भूल जाओगे, और इस जगह पर आपको पीले रंग का प्रकाश आ जाएगा, और घंटे का शब्द आएगा, टर्न टर्न के मंदिर में दाखिल हो टाली विधान, और क्या मतलब मंदिर में दाखिल हो गया, आप पहचान यह है कि मंदिर में दाखिल हो गया आप, ऐसे टंडी बस ठाकुर जी से ठाकुर जी की जगह हो आप जाग जाओ, कोई वो कर्मकांड है, फिर वो आपके अंदर ताली बजाएगी, पीले रंग का प्रकाश सिद्धि आ जाएगी। आप सोचोगे वही होगा, अगर पत्नी पर दुख करोगा बुरा सोचोगा बीमार हो जाएगी, साथ ज़्यादा सोचोगा तो चली जाएगी, और पति पर सोचोगे तो वो चला जाएगा सुन लो, और बच्चों को गुस्से सोचोगा ऐसे आपकी शक्ति बनी रहा आप तो ज़बरदस्त कोड़ी जैसा चोट है, इसे ध्यान जो करता है फिर उसको बिल्कुल मन साफ होना चाहिए, वो करो नहीं तो ही बचो, नहीं करोगे तो घर में तकलीफ भी होगा, जरा ऐसे ध्यान करते ना, गुरुओं का नाम लेके आते हैं, वो कहते हैं मम्मी अब है, वो नाम करते हैं जपते हैं गलत, क्योंकि मुझे ध्यान जपने लगा वो प्योर अच्छा रह जाता है, इससे लड़ाई हुई बड़े उसके साथ ये करूँगा ये करूँगा, वो काम करते हो ज़्यादा करते हो नींद देती चाहते बड़े नहीं रहती वो नहीं रहती। ध्यान का मतलब इष्ट है सामना जो मूर्ति बनाइए, जीव तेरह मिलाओगा तो ज्ञान भी मिलेगा, उसका गुण समझोगा उसको क्या समझोगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पार्वन तस्वीर श्री गुरु में, उसको प्रकाश प्रकाश की कोई जरूरत नहीं, उसके रूप को बना लो और रूप में शक्ति आ जाएगी, और फिर आप जो सोचोगे वही होगी और बोलोगे वही होगी, और संगत को कहते ही बात करोगा गुरु की याद करते टपक टपका सोच जाएंगे तो महाराज जी ऐसे वो बात याद आएगी ना आपको रुण आ जाएगा प्रेम, ऐसा प्यार हो जब हो गुरु का रूप लगे से प्यारा कामनी पति मीनदर धारा, सत्संग करना ऐसा चाहिए सत्संग का फल यही है, आप समझेंगे नहीं, तो चार तरह की सेवा है ये गुरु की। पहली पहली सेवा क्या है, पहला है अर्थ सेवा नित्य करे काम क्रोध में चित्त से हरे, चरण दबावे परी की बात करूँ पुराण जमाने की, चरण दबावे पंखा फेरे चक्की पीसे पानी भरे, मोरी दो झाड़ू को धोए खोद खजाना मिट्टी लावे, उस मिट्टी बचे समित गोली से पहली बात खोद कर मिट्टी लावे, काट पेड़ से दांतन लावे शौकीन थे, और बटना मन स्नान करावे पीठी मड़की स्नान करावे, अंग पूछे धोती पहनावे करे रसोई भोग धरावे, कोई महल में आर न लावे गुरु कहीं सोकार कमा, यह तो धन की सेवा। और मन की सेवा धन की सेवा, ये धन की सेवा ये है भाई, गुरु सेवा में खर्च कराई, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, गुरु पे धन है भक्ति रतन का, पर तेरा उपकार कराई भूखे प्यासे को दिलवावें उनकी मेहर तू मुफ्त पावे जो उनको प्रसन्न करावे। अब मैं भी ये काम कराता हूँ कि भाई बांटोगे इतने का तो बंडला बांटोगे इतना ज्ञान दोगा, तो ज्ञान दो योग देता हूँ मैं तो ज्ञान का दान दिवाता हूँ मैं, थारा गुरु ने तो कपड़े का दिवाऊँ मैं, थारा को रोटी का दिवाऊँ मैं, थारा को भंडारे का दिवाऊँ, सीधा ज्ञान का दिवाता हूँ, भूख ले जाओ तो चार चार आप पढ़ो, बेटी पढ़ेगी बिन्नी पढ़े सब पढ़ने के बाद और नीट डी एड को दे दो पड़ोसी को दे दो लाभ आपको ज्ञान मिल जाएगा, मैं सीधा डायरेक्ट कराता हूँ ज्ञान, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, ये मैं भक्ति मुखो को चीज कराता है रिकॉर्ड, ये पहले भी नहीं करा तंत्र छोड़ दी सबको, और फिर कहता इसके लिए मन की सेवा है तो दर्शन करे उसके ऊपर नजर हो गुरु को, वचन पुनी सुने सुन सुन के नित मन में गुणे, गुण कर काट देवे सारा
सार्ध हार्थिस करे हरा कर हर पुष्ट वा भाई जग भय सब गई न सके। जब उसका ध्यान बन गया सब कुछ दर्शन करे वचन सुने और सुन के देखे मेरे काम से कौन सी चीज़ें सार काट ले और फिर उसके मुताबिक रेणी बना दे, अपनी रेणी बना दे तो बताया बस रेणी बन जाती है। वो रेणी को करने से बेफिक्र बन गया बस। और कुछ ये है मन बुद्धि की सेवा और चौथी भक्ति है यार आगे अंतर्मुख बैठे एकांत अभ्यास करे पावे मन शांत दो दल उठ गगन को दाए खुशी और नाद बतावे तब सतगुरु की जानी महिमा जिन प्रताप बाजी धुन बीना बीन को शब्द है इस सतलोक में बीन का शब्द वहाँ। तो ये तो काम था ये योग के अंदर पहले इधर ध्यान करना गुरु का और दूसरे नंबर पर इधर लिया इधर आएगी मूर्ति लाल रंग का प्रकाश आएगा ओम का शब्द आएगा इस तरह माथे के बीच में और उसके थोड़ा सा ऊपर चलोगे तो ये यहाँ पर इसको कहते हैं राडन सारंग। तो यहाँ पर सारंगी जैसा शब्द आएगा और चांद से चाननी होगी पूरा चाननी नहीं होगी ये नीचे चलने वाली बात है परमोशन डायरेक्ट नहीं है नीचे बढ़ती होना है। तो यहाँ पर वो सारंगी से शब्द आएगा और अंध आएगा तो उसमें क्या आएगा मस्ती आएगी आपको नशा रहेगा आप दुकानदार हैं कुछ भी काम कर रहे हैं आप जो कर रहे हो नशा रहेगा मस्ती रहेगी खुश रहेगा आओ आओ दुकान आपकी ले जाओ चाह पानी में होंगे अच्छा ठीक है तो ठीक है सबसे अरे तो काम करते हो मिस्त्री हो तो ये काम तो आइए सो तो हाँ आइए साहब बोलिए क्या काम करते हो नेता होता हाँ आओ आओ थारी तो कृपा में बैठे हो भैया को नहीं गए वो या बने को नेता आते ऐसे बने को जाना आओ बैठो बैठो वो धारणा आदमी को माड़ा नहीं समझता वो समझता ही नहीं कि कृपा से मैं बनाऊँ और वो उनकी सम्मान करेगा। तो इस तरह का तरणी जिसकी बन जाती है फिर उसका सब काम। अब उसके बाद ये तो आगे चल रहा इसके आगे तो चले तो मस्ती कुछ नशा रहेगा बेफिक्री थोड़ी सी देर के लिए तो सुबह करके चले जाओगे मस्ती ये फट जाएगा और बेफिक्र इसके थोड़ा और ऊपर जाओगे तो सफ़ेद रंग का प्रकाश आ जाएगा उसको सोम सोम का शब्द है वहाँ पर ही अभी आगे नहीं पहुँचे हैं बाढ़ मिलने से पहले और सोम का शब्द है सोम यानी मैं वही हूँ और वो आपको प्रकाश आएगा सफ़ेद वो ईश्वर है वो शक्ति है वो जीवन है देगा वो प्रकाश वो फलते फलते प्रकाश हो जाओगे पूरा जबरदस्त और वो प्रकाश आपके अंदर आ जाएगा वीरपा बढ़ जाएगी इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी जो सोचो वही जो सोचो वही है और ये अवस्था बन जाएगी प्रकाश की। फिर इसके साथ लंबो तोड़ो फिर आगे चल जाओ कई लोक लोकांतर केवल कितने गए जीव हैं हंस हैं कुछ ऐसे वो मैं ये देखे ठहरते हैं कि रस्ता नहीं करा आगे जाए इसके सोचे हो सब कुछ मिल गया। अब ये अगर शरीर छूटेगा तो फिर दोबारा होगा फिर चक्कर में अब अच्छा करा तो अच्छा भोगोगे अगर गुरुवाई करी है तो गुरुवाई वाला फल मिलेगा अच्छा करे आप तो अच्छा फल कर्म के अनुसार फिर जन्म लो और सदा के लिए जाना फिर सीधा वो गुरु को मिलेगा वो कहे देखिए प्रकाश बन गया तो आनंद दे रहा तू ये आत्मा तेरा ये आनंद है तो आनंद दे रहा और सुरती दे रही थी तो आगे चाल घर आ गए तो आगे तो कोशिश करो पुराण से टिको इसको अलख निरंजन कहते पुराण साधु कहते अलख निरंजन अलख मांगते थे वो कि इसको अलख मतलब जो 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 देखा नहीं जा सकता अनुभव किया जाएगा ये देख नहीं सकते आप अनुभव कर सकते मैं भी अनुभव बैठा हूँ मैं उस अलग के अनुभव में बैठे बात कर रहा हूँ आपसे अब यहाँ नहीं हूँ तो ठीक है बार बार ही दस गया सहज में धुनारी है और चलिए सहज सुन रहे हो साथ आप सत्संग दे रहे हो श्री का ख्याल नहीं बात का ख्याल नहीं तो वह अवस्था आ जाएगी आप वो फिर इधर से तरह की इस अलग से लेकर इस चोटी तक के साधन को अगम कहते हैं अगम का नहीं जिसका किनारा ही नहीं है जिसका ठा नहीं पड़ता वो है उसमें कई तरह के लोग लोकांतर हैं पर आप एक राम नाम की धुन को पकड़े चलो और ये बोलने वाली चीज़ है इसको सुरत कहते हैं आत्मा से आगे की चीज़ है सुनते जा रहे हो और जब कभी मौका रहेगा जब यहाँ गोता खा जाओगे जाते नहीं तो शब्द रहेगा न सुनने वाली चीज़ रहेगी जिगर ही इनकी तरह चला गया अब सुनते बन गया फिर होश माओ फिर वो बाहर का गुरु फिर सत्संग देगा आप कि अभी आप जीवित मुक्त अवस्था में रहें जीवित मुक्त हैं तो सब कुछ जो कुछ परमात्मा इंदिरा सब परमात्मा है तो फिर आपकी दृष्टि क्या बढ़ जाएगी जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है हर समय जलवा तेरा हुआ जहाँ देखो उधर तू ही तू है तेरे चौर कुछ नहीं सब में वही है सिया राम में सब जगदानी हर मुसलमानों के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है वो शक्ति आपके अंदर आ जाएगी और ये आप सीखती है और फिर जब तक जियोगे तब तक स्मरोगे और जब शरीर छोड़ोगे और वही चीज़ आ जाएगी तो आप सीधे उसके अंदर चले जाओगे शब्द में समा जाओगे और दोबारा आओगे आना जाना बदल जाएगा। तो सत्संग तो इस काम के लिए था लेकिन बीच में जो पापड़ बेलू हों ये जरूरी है क्योंकि बातें बताना जरूरी है उसके उससे दुखी नहीं कोई दुखी इससे ही सदवेज से तो घाटो सा इस चीज़ को घाटो सा इस घाटो क्या घाटो रोग अपनों है अपने विचारों को है जो बुरा सोचते हैं उसका नाम घाटा है तकलीफ है रोग है ऐसे उससे कोई परमा तो नहीं जाता तकलीफ है
वो तो उसको तकलीफ है नहीं वहाँ पर, न दुख है सुख है, समावस्था होगी नहीं तो कोई दुख सुख है ये, तो उस अवस्था से आदमी है अपने कोई किसका सुख किसका सुख, ये नीचे आकर के सोचते उसे बन जाता। तो आज का सत्संग मेरे ख्याल काफ़ी होगा, काफ़ी है। तो अभी आपको प्रश्न पूछना योग ज्ञान ध्यान की बात पूछना, लड़की कराड़ी है गे? हाँ तो ठीक है बड़ी, वो ये तेरे को फल मिलेगा बेटा इसका बड़ा बड़ा भाई, ऐसे तो आदमी ज्ञान दे जाएगा दीदी की सुधार होगा ना, वो तेरे चार दाम तेरा श्रेष्ठ हो गया, तेरा लाभ होगा उसमें, तेरा भाग होगा, क्योंकि तो पुस्के देरी ज्ञान इनको होगा सब, और जहाँ जहाँ जगह जगह सारी काम कर रहे हैं वो पत्ते दिल्ली आ ये बैठे मेरे पास में, अभी मेरे पास में ये ईद का चांद है, ईद का चांद डालो उन्हें मुसलमानों को चांद नहीं दिखे तो वो ईद नहीं मनाते, अरे भाई तेरिए नया है ईद का चांद है, और जो ध्यान जो करना चाहते हो तो मेरे बात देखते हो, मैं तो कोई ध्यान देता नहीं, पर इसके ध्यान बताता हूँ कि आपको चाहते हो कोई गुरु धारण करना चाहता है तो आपकी मर्जी आपसे कर लेना, ये आइए मिल जाएगा आप सब हैं।